बिसमल्लामर असलात वसलाम या रसूल वल्क वबिकया हबीबल्ला नाजरिन सामीन अल्लाम व्ल वबरकत एक मरतबा फिर पेश खिदमत है सवाल व जवाब की नशस्त बनवान हम और आपकाड़वी के साथ जिसमें आप अपने शराय मसाइल के बारे में रहनमाई हासिल कर सकेंगे हज़रतम मौलाना डॉक्टर कॉकब नूरानी व साहब दामद बरकत मिला से आप एक अरस दराज से दुनिया भर में मसल के हक के हक़ीकी तर्जुमान की हैसियत से खदम सर अंजाम दे रहे हैं आइए हम मिलकर इन्हें खुश आमदी कहते हैं अल्लाक वहमत ला वालेकुम अस्सलाम वाले और तमाम नाजीन व सामीन को भी अल्लाम वहमतल्ला वरका आज पाकिस्तान में दस रमदानमबारक थी इस्लाम की सबसे पहली खातून सबसे पहले ईमान लाने वाली हस्ती अमौमिन अरब और जन्नत की ख़वात की सरदार उम्रमिन हज़रत सैदात ना रदी अल्लाह तहा वसलाम्ल तोम और पाक सर ज़मीन में ख़ास तौर पर सिंध के लोगों के लिए यौम बाबुल इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम आज के दिन ही सत्रह बरस की उम्र में बारह हज़ार का लश्कर लेकर आया था और यहाँ इस्लाम के झंडे लहराए थे रमदानुल मुबारक की इन मुबारक सातों में हम उन हस्तियों को सलाम पेश करते हैं अल्लाह ताला उनके तरजात बलंद फरमाए और उम्मत मुसलिमा पर अपना करम फरमाए आप लोग अपने सवाल कमेंट सेक्शन के ज़रिए भेज सकते हैं अगर आपकी आईडी अपने असल नाम के साथ नहीं तो आप सवाल के इतजा में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख भेज दीजिए आपका सवाल शामिल कर लिया जाएगा दौरान नशस्त अगर आपको तो ये महसूस हो कि बार बार सवाल भेजने के बावजूद आपका सवाल शामिल नहीं हो रहा तो इसकी मुमकिना वजह ये हो सकती है कि फ़ेसबुक कुछ कमेंट्स को ऑटो हाइड कर देता है जिसके मतन में उसे कोई मशकूक लफ्ज़ नज़र आए तो आप या तो सवाल में अपने मतन में कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ वो सवाल दोबारा भेजने की कोशिश कीजिए फिर भी अगर आपको ये लगे कि नहीं शामिल किया जा रहा तो व्हाट्सएप पर आप वो सवाल भेज सकते हैं आपकी स्क्रीन के दाएं जाने पर एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा आप उस पर अपने नाम और शहर के साथ अपना सवाल भेज सकते हैं या फिर पेज इनबॉक्स की सहूलत भी आपके पास मौजूद है आप वहाँ भेज सकते हैं तो इसी तरह हमारी पूरी कोशिश होती है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल साहब तक पहुँचाएँ और कोई भी सवाल ऐसा ना हो कि जो शामिल होने से रह जाए अब गुज़्त नशत से लेकर अब तक जितने सवालत मौसू हुए व्हाट्सएप या पेज इनबॉक्स के ज़रिए या जो सवाल गुज्तर नशिश में रह गए थे उनसे आगाज़ करेंगे आज का पहला सवाल शब्बीर साहब का वो पूछते हैं कि एक घराना है उनके जानने वालों में जो कि बहुत ही तंगदस्त है उनके पास कोई माली जराए वग़ैरह नहीं हैं और वो मकरूज़ भी हैं सोना है उनके पास लेकिन उन्होंने वो इस नीयत से रखा है कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो उसमें वो ख़र्च करेंगे तो क्या आप उस पर ज़क़़त होगी जिस बेटी के लिए आप सवाल कर रहे हैं सवाल की इब्तः हुई है बसमिल्लि व्हमदल्ला वसला तो वसलाम रसूल जिस बेटी के लिए वो सोना उन्होंने मखसूस किया है उस बेटी को उसका मालिक बना दें बाक़ी लोग मुस्तक होंगे वो ज़क़़त ले सकते हैं लेकिन जिस बेटी के लिए है या तो उसको मालिक बना दें अगर उसको मालिक नहीं बनाया है तो फिर मुस्तक कैसे होंगे वो उस एक के पास होगा बाकी के पास कुछ नहीं होगा तो वो ज़कात ले सकेंगे अगर मुस्तक होंगे अगला ऐसा शख्स जो ऐसा मरीज हो कि उसके बग़ैर इन्हेलर के बग़ैर या कोई दवा लिए बग़ैर वो सांस नहीं ले सकता उसकी तबीयत बिगड़ सकती है और ज़्यादा बिगड़ सकती है तो ऐसे शख़्स को फिर रोज़ा नहीं रखना जब तक सेहतमंद ना हो जाए और अगर क़ज़ा की अहलियत भी नहीं होगी तो फिर वो फ़िदिया देगा लेकिन उसमें रोज़े की हालत में वो दवा इस तरह नहीं ले सकता अगला सवाल अनस साहब का उन्होंने पूछा कि मैंने एक खतीब साहब के बयान में सुना उन्होंने ये कहा कि क़ुरान मखलूक नहीं है जिस तरह अल्लाह ताला हमेशा से है क़ुरान भी हमेशा से है और अल्लाह ताला ने कुरान को पैदा नहीं किया तो अब पूछना ये था कि अगर क़ुरान को ये कहा जाए कि नाजिल किया गया है जैसे कि वो खतीब साहब फरमा रहे थे तो कुरान को फिर किसने बनाया आपने तवज्जो नहीं दी है क़र कला्ला है और कलाम मुतकल्लिम की सिफत होता है चूँकि ये कलामुल्ल है अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की सिफतें मखलूक़ नहीं हैं ये बनाया हुआ नहीं है ये मखलूक़ नहीं है इसको ज़हन में रखें यही अक़ीदा है कि क़ुरान गैर मखलूक़ है नॉन क्रिएशन है ये कलामुल्ला है नाजिल किया है अल्लाह ने लेकिन बनाया नहीं है इसलिए इसके बारे में ऐसे लफ्ज़ नहीं कहे जाएंगे अगला सवाल कैसर आज़म साहब का इस्लाम में सरहद का क्या हुक्म है किस सरहद का जोग्राफियाई सरहद का नज़रियाती सरहद का किसके बारे में पूछ रहे हैं हमारे अक़ायद की भी सरहदें हैं हम उनको क्रॉस नहीं कर सकते इसी तरह जोग्राफियाई सरहदें होती हैं इलाकई सरहदें होती हैं पहले इनका निज़ाम और था आज की तरक्की याफ़्ता ज़िंदगी में निज़ाम और है जिसके हिसाब से इलाका होता है कि ये मिसाल के तौर पर रोयत का हुक्म चांद की या दीगर अहकाम जो हैं उसके मुताबिक होते हैं आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं कहाँ से हैं वहाँ पर ज़रूर उलमा ने इसको बताया होगा ताहम मुख्तसरन इतना बता दूँ कि अगर आप इलाकाई सरहदों के बारे में पूछ रहे हैं तो वो जहाँ तक नाफिजलमल है वो निज़ाम या हकूमत वो उसकी सरहद कहलाएगी और अगर कोई पड़ोसी मुल्क है उसके हवाले से उनमें कोई आपस में रबत नहीं है और कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है या इस्लाम और गैर इस्लाम का मसला है तो उसके हिसाब से उसका तयन किया जाता है ये मुख्तसर जवाब है क्योंकि आपके सवाल में वाजे नहीं है कि आपने किस सरहद के हवाले से पूछा अगला सवाल लाहौर से शहरियार हसन साहब का नमाज़ पढ़ते वक्त सूरतों की किरात ख़िलाफ़ तरतीब करना इसके क्या है काम जी जान बूझ कर तरतीब के ख़िलाफ़ करना जायज़ नहीं है भूले से अगर कभी हो गया वो और बात है तरतीब से जैसे क़रन की सूरतें हैं उस तरतीब को नहीं बदलना चाहिए उसके लिए सख्त वईदाई है नॉर्वे से उस्मान शफ़ी साहब का सवाल के फ़जर या असर का वक्त दाखिल हो जाए तो क्या अब नफली इबादतें नहीं की जा सकती जी मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आपने अभी फ़जर की सुन्नतें नहीं पढ़ी आप कोई नफल पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं लेकिन फ़जर की सुन्नतें पढ़ने के बाद नफल इबादत बिलोमूम नहीं की जाती और फ़र्ज़ पढ़ने के बाद तो बिल्कुल नहीं की जाएगी जब तक सूरज नहीं निकलेगा क्योंकि मना किया गया है तो उसमें नफल इबादत यानी नफली सजदा नहीं किया जाएगा इसी तरह जब तक आपने असर के फ़र्ज अदा नहीं किए आप पढ़ना चाहें जिस तरह चार सुन्नतें हैं वो एक तरह से नफली हैं गैर मौक़द हैं वो आप पढ़ सकते हैं असर के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद सूरज गरूब होने तक नफली सजदा न करना बेहतर है राहील अमीन साहब का सवाल के अगर जहर या मगरिब की सिर्फ़ एक रकात मिले तो अब बाकी किस तरह अदा की जाएगी किसकी मगरब की, की? जहर और मगरब दोनों आपने चार।, चार रकत वाली नमाज या तीन रकत वाली नमाज जो भी नमाज जिसमें आप शामिल हुए हैं जमात में तो उस रकत का मतलब उसका रुकू आपको मिल गया आपने एक मरतबा ला अकबर कहा और फिर अगर इमाम साहब रुकू में गए हुए हैं तो आप अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले गए उस वक्त तक इमाम साहब नहीं उठे उन्होंने अल्लाह अकबर नहीं कहा युन हमीदा नहीं कहा तो आपको वो रुकू मिल गया आपका वो वो रकत शुमार हो जाएगी अगर किस आपकी एक रुकू नहीं मिला है आपको तो वो रकत आपको नहीं मिली आपने वो रकत बाद में अदा करनी है एक रह गई है तो एक दो रह गई हैं तो दो तीन रह गई हैं तो तीन वो आपने बाद में अपनी अदा करनी है उसी तरतीब से समझ गए आप तो जो रकत आपकी रह गई वो आपने अदा करनी है मिसाल के तौर पर आप मगरिब की तीसरी रकत में इमाम के साथ मिले और रुकू आपको नहीं मिला तो तीनों रकतें आपकी नहीं हुई हैं अब आपने वो कादा भी है उसके बाद तीनों रकतों में आपको कादा करना है और तीनों रकतें आपको पढ़नी है क्योंकि आपकी तीनों रकतें रह गई इसी तरह आप जोहर में चौथी रकत में मिले और रुकू नहीं मिला तो आपकी चारों रकतें बाकी हैं वो आपने उसी तरतीब से अदा करनी है साइमा शेख साहिबा का सवाल इन्होंने लिखा है क्या नवाफिल का हुक्म रमदान में भी यही है शेखा ये अभी जो आपने असर और फजर में जो नफल के हवाले से आपने है काम बयान फरमाए उसके हवाले से पूछ रही हैं क्या रमदान में भी यही होगा क्या मतलब मतलब नफल हैं आपके आप इजाफा करते हैं करें लेकिन जो नफल बयान हुए हैं वो उसी तरह पढ़ेंगे आप इजाफ़ी नफल पढ़ रहे हैं लेकिन फ़र्ज़ नमाज फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकलने तक और असर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज वरूब होने तक नफल नमाज ना पढ़े उमर अब्बासी साहब का सवाल उनसे किसी खातून ने यह सवाल किया कि उनके शौहर ने उनसे लड़ाई के दौरान ये कहा कि दफ़ा हो जाओ घर से तो उन्होंने ख़ातून ने उस जवाब में ये कहा कि ऐसे नहीं जाऊंगी पहले तलाक़ दो तो आगे से शोहर ने यह कहा कि अभी देता हूँ या अभी दे दूँगा तो अब शोहर ने उनके मुतालबे के जवाब में जो ये अल्फाज कहे क्या ये तलाक़ के अल्फाज में शुमार नहीं उसने था? ये नहीं कहा उसने ये कहा ना देता हूँ या दे दूँगा ये उसमें दोनों में वो नहीं है बात अलबा अगर उसने ये दफा होने को कहा है तलाक़ की नीयत से तो इसमें तलाक हो जाएगी लेकिन देता हूँ यानी यह कह के दे रहा हूँ अल्फ़ की नोयीत है उसकी नीयत के मुताबिक तो बज़ाहिर अल्फा से तलाक़ नहीं होगी लेकिन उसकी नीयत अगर थी तो फिर हो जाएगी इसी तरह का सवाल सायमा शेख़ साहिबा ने भी किया कि अगर ग़ुस्से में कोई शौहर बार बार कहे कि मेरी तरफ़ से तुम फारग हो मतलब कि ये कि मैं तुम्हें अपने निकाह में नहीं रखता तो इससे क्या तलाक हो जाती है? जी ये जो उसके अल्फाज हैं ये यही बता रहे हैं उसका मतलब ये कि मेरी तरफ़ से फारग हूँ तो इसको तलाक़ माना गया है फिज़ा ख़ान साहिबा का सवाल कि क्या किसी सहीदा के लिए यह जायज़ है कि वो अपने बच्चे का नाम ये रखे मुंतजर महदी नाम हमेशा अल्लाह की तारीफ़ वाले हों उसकी हमद वाले हों बंदगी वाले हों अच्छे माने वाले हों अब मुंतजर महदी बज़ाहिर के हज़रत इमाम महदी का इंतज़ार करने वाला ये बज़ाहिर तो इसमें वो ऐसी कोई मैं नहीं कहूँगा कि नहीं लेकिन ये कि ये नाम उस तरह का नहीं है नाम अच्छा हो तो बेहतर है आप उसको वैसे मोहम्मद महदी उसका नाम रख दें ग़ुलाम महदी उसका नाम रख दें आप मंतज़र महदी रखना चाहते हैं वह आपकी मर्ज़ी है मगर मैंने बताया नाम हमेशा ऐसे हों जिनसे बंदगी ज़ाहिर हो या अल्लाह की हमद तारीफ़ ज़ाहिर हो या माने अच्छे हों या नस्बतों वाले नाम हों ओकाड़ा से हसन लाशारी साहब का सवाल के रोज़ा रखने और खोलने के क्या अहकाम हैं क्या अज़ान सुनकर रोज़ा रखा और खोला जाएगा या फिर कोई और हुक्म असल हुकम है वक्त का होना अफतारी के लिए भी वक्त है सहारे के लिए भी वक्त है वो वक्त होना शर्त है अगर वहाँ पर अजान उसी के मुताबिक होती है तो वो अजान वक्त शुमार होगा मिसाल के तौर पर पाँच बजकर पचपन मिनट बिलफर्ज़ अफतारी का वक्त है तो पाँच बज के पचपन मिनट पर जो अजान शुरू होगी वो अफ्तारी का वक्त शुमार होगा लेकिन शर्त है वक्त होना इसी तरह चार बज के चौवन मिनट वक्त है सहरी का तो चार बज के चौवन मिनट शुमार होगा अजान अगर एक मिनट बाद हुई है तो एक मिनट के बाद हुई है असल चीज़ वक्त है मोहम्मद अदनान साहब का सवाल के रोज़े की हालत में आँखों में लेंस लगाने का क्या हुक्म है नीज़ ये भी बता दीजिए कि अगर कोई मरहम लगाता है तो उसका क्या हुक्म होगा लेंस चूँकि एक लिक्विड के साथ होता है जितनी मालूम है कि वो एक लिक्विड के साथ होता है उसको लगाने से हमारे नज़दीक रोज़ा टूट जाता है क्योंकि उसमें वो जेल या वो लिक्विड होता है वो आँख में उसके साथ लगाया जाता है इसी तरह कोई भी लिक्विड जेल आँख में लगाया जाएगा वो फैलेगा हलक तक जाए या दिमाग तक जाए रोज़े को ख़राब करेगा इनका अगला सवाल ब्लड टेस्ट करवाने के हवाले से रोज़े की हालत में रोज़े की हालत में अगर आपको खून देना पड़ता है टेस्ट में उससे आपका कोई रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय इसके इतनी मकदार में दे रहे हैं आपके आपका अपना रोज़ा आपको बचाना मुश्किल हो रहा है तो ना दें आपको कमज़ोरी हो रही है आपसे रोज़ा बाकी वक्त नहीं गुजारा जाएगा लेकिन ये कि अगर वो ख़ून निकलता है आपसे या आप वो सरेंज के ज़रिए देते हैं तो उससे रोज़ा नहीं टूटता मगरब में पहली दो रकात में किरात क्या जहरन करनी होगी जी जहरन ही की जाती है सिवाय दो नमाज़ें हैं जोहर और असर उसमें जहरन नहीं की जाती जमात में तो आपने उसमें आपने इनफ़रादी पढ़ रहे हैं या वैसे वैसे भी आपको आम तौर पर जब पढ़ते हैं तो आप ज़हरी नहीं करते जमात के साथ बाकी तीन नमाज़ों में जहरी होती है फजर में मगरब में इशा में फिज़ा ख़ान साहिबा का सवाल के इंसान जब मर जाता है तो रूह आज़ाद हो जाती है अरवा कहाँ रहती है इसके बारे में कोई अदीस की किताब वग़ैरह मौजूद है जी बिल्कुल मौजूद है कुरान में भी है और अदीस में भी है शरह सदूर इमाम सूती की किताब है उर्दू तर्जमा उसका हो चुका है उसमें उन्होंने तमाम वाक़ तमाम चीज़ें वफात और उसके बाद की लिख दी हैं किताब रू अलामा इबिन कैम की है तस्करतुलमाताबूर काजी नाल्ला पानीपति की है तो रूह जो अच्छी रूह नेक होती हैं वो आला अला में और जो बुरे लोग हैं उनकी असफला साफ़िल में ये पूरी रिवायतें मौजूद हैं अगला सवाल जलाल अहमद साहब का क्या शेख कामिल की बैत किए बग़ैर अगर मौत आ जाए तो क्या वो जाहिलियत की मौत है और कयामत के दिन क्या शैतान का पैरोकार पैरोकारों में शुमार होगा उसका और किस मकसद और किस सिलसिले में मुरीद होना चाहिए और कैसे पता चले कि वली ये कामिल कौन है कुरान ने दो निशानियां बयान की हैं ईमान और तकवा मुर्शिद वो होगा जिसके अकीदे सही होंगे जिसका अमल सही होगा ये दो निशानियां कुरान ने बयान की हैं बेत की जाती है अपने आप को शैतान से बचाने के लिए कि मुर्शिद की रहनुमाई मुर्शिद कहते हैं ये राह दिखाने वाले को तो अगर कोई शख्स रस्मन बेत नहीं करता मगर शरीयत व सुन्नत का पाबंद रहता है और शैतान से बचता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसके लिए लाजमी थी लेकिन जो कर लेते हैं वो हिफाजत में आ जाते हैं बरकत होती है नस्बत क़ायम होती है उसका फ़ैज़ान मिलता है लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो जाहिलियत की मौत मरा या इस तरह के अल्फाज, उसके लिए नहीं कहे जाएंगे अगला सवाल आज़ाद कश्मीर से सईद यूसुफ़ साहब का के रोज़े की हालत में सुरमा लगाना उसका क्या हुक्म जी बिल्कुल लगा सकते हैं सुरमा हो सही चीज़ का बना हो काजल अलबत्ता नहीं लगाना चाहिए सुरमा लगा सकते हैं अगर उस सुरमे का असर भी कहीं थोड़ा सा नाक वगैरह में चला गया तो भी कोई रोज़ा नहीं टूटेगा मर्दों के लिए इसमित सुरमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते थे वो सुरख़ी माइल होता है बाकी लोग कुछ सया सुरमा लगाते हैं तो सुरमा होगा तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा बिहार इंडिया से कैसर आज़म साहब के सवाल के मगरिब की नमाज में अगर पहली रकत छूट जाए तो अब तशाह में एक रकात के बाद बैठा जाएगा या दो रकात के बाद अगर वो अपनी नमाज पढ़ रहा है या जमात के साथ जमात के साथ उसकी पहली रकत अगर निकल गई है बाकी जिसने जिस तरह इमाम पढ़ेगा उस तरह वो पढ़ेगा और बाद में अपनी जो रकत रह गई है वो पूरी करेगा अलग नमाज पढ़ रहा है तो रह जाने का क्या मतलब है जमात के साथ ही है ना तो जमात के साथ पहली रकत उसकी रह गई है तो अब दूसरी रकत में इमाम जब तो बैठेगा तहिया तो ये भी बैठेगा ये नहीं है कि ये नहीं बैठेगा तो ये बैठेगा अलबत्त जो आखिरी कादा है उसमें अतहयात इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पढ़े कि इमाम सलाम फेर दे और अगर इसने जल्दी पढ़ लिया तो ख़ामोश नहीं रहेगा तशाह दोहराता रहेगा अरमान अशरफ़ी साहब का सवाल के ईशा की नमाज में अगर वितर में दुआए कुनूत पड़े बग़ैर रुकू में चले गए तो क्या आप सजदार साहब वाजिब होगा जी बिल्कुल सजदार साहब करना होगा फैसल हारून साहब का सवाल के अगर किबले की समत मालूम हो दुरुस्त तो अब उसमें कितना दाएं और बाएं कितने डिग्रीज की गुंजाइश होती है उसमें डिग्री की गुंजाइश क्यों ढूंढ रहे हैं कहीं मजबूरी है तो पाँच डिग्री है कभी दाएं और बाएं पाँच डिग्री तक हो सकता है लेकिन क्यों अगर कोई उस समझ नहीं आ रही है उसमें फ़र्क आ गया तो और बात है लेकिन जानबूझ कर डिग्री ना ख़राब करे वो अगला सवाल मुरादाबाद इंडिया से अब्दुल्ला रिजवी रज़वी साहब का कि अगर कोई शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक फ़ितरा अदा ना करे तो क्या वो गुनाहगार होगा जी फ़रा चूँकि रोज़े के साथ नहीं है ये अफ़राध के साथ है जो शख्स साहिब निसाब है अगर वो फ़रा अदा नहीं करता तो बिलाशुबा वो गुनागार है क्योंकि ये वाजिब है और वो अगर साहिब निसाब है तो उस पर लाजम है नहीं अदा करेगा तो अगर उसने रोज़े रखे हैं तो रोज़े अल्लाह की बारगाह में पेश भी नहीं होंगे कबूल होना तो दूर की बात है तो जब शरीयत ने एक चीज़ मुकरर की है तो उसको अदा करना चाहिए नहीं करेगा गुनागार होगा अगला सवाल शोबा मंसूर साहिबा का वो पूछती हैं कि रोज़े के दौरान क्या ड्रिप लगाई जा सकती है अगर मेदे में बहुत जलन हो रही हो और एंडोस्कोपी कभी पूछा है उन्होंने कि रोज़े के दौरान अगर ऐसी मजबूरी बाज़ा इजाज़त देते हैं जो इंजेक्शन की इजाज़त देते हैं वो ड्रिप की भी इजाजत देते हैं जो मा नहीं देते अगर वो ताकत हासिल करने के लिए है तो फिर तो ठीक नहीं है और ऐसी बीमारी है कि उसके बगैर रोज़ा पूरा नहीं हो सकेगा तो वो मा इजाज़त देते हैं अगर आप उन पर एतबार करते हैं तो आप लगवा लें लेकिन जो मा इंजेक्शन से मना करते हैं वो ड्रिप से भी मना करते हैं वो उनका एक तकवा है एक में लाजमी बात है उनके पास भी दलाइल हैं लेकिन ऐसा मरीज हो कि उसके लिए रोज़ा मुश्किल हो जाए तो उस सूरत में उसके लिए मजबूरी है अटक से हिलाल अकबर साहब का सवाल के नालेन पाक को सर का ताज बनाना ये कैसा है बहुत अच्छी बात है लेकिन हमारे यहाँ इसको खिलौने की तरह बना लिया गया है मुख्तलिफ साइज़ में मुख्तलिफ मटीरियल में उसका अदब हम कर नहीं पाते वो इतनी मुक़दस चीज़ है उसका अदब जिस तरह का होना चाहिए था हमारी इन हरकतों से वो अदब रहा नहीं लेकिन ये कि सर का ताज बनाना उसमें कोई ऐसी बात नहीं वो अक्सर है उसका ताज बनाना बहुत अच्छी बात है मगर अदब होना चाहिए कारी महसिन चिश्ती साहब का सवाल के शुगर टेस्ट के हवाले से पूछा इन्होंने हालत है रोज़ा शुगर टेस्ट टेस्ट करा रहे हैं तो टेस्ट में ब्लड ही देंगे ना जी आपने ब्लड दिया अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि अगर आप खून देना पड़ रहा है टेस्ट के लिए उससे आपका रोज़ा नहीं जाता शमशाद अली साबरी साहब का सवाल कि अगर दौरान नमाज शेख का ख्याल आ जाए तो अब क्या हुक्म होगा जी ख्याल आने में कोई बुराई नहीं है लेकिन आपको पूरी तवज्जो से पढ़ना चाहिए अगर आया है ख्याल मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको बुरा समझें लेकिन ये कि आप तवज्जो से नमाज पढ़ें ख्याल आना या उसका तसव्वुर आ जाना वो बुरा नहीं है लेकिन आप तवज्जो से जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ें आदिल बिन मकसूद साहब का सवाल कि अगर मोज़िन साहब मौजूद ना हो तो उनकी गैर मौजूदगी में कोई और इकामत दे सकता है कह सकता है जिसको मसाला मालूम हो जो जानता हो कैसे कहनी है कह सकता है अगला सवाल ओन महम्मद साहब का कि अगर कोई अपने आप को सैद कहे लेकिन वो साहबा के बारे में नामुनासिबल्फाज कहता हो तो क्या हम उसको सैयद कहेंगे उसका नसब बाकी रहेगा और क्या उसकी तज़ीम का वही हक बाकी रहेगा अगर वो सही हन नसब सैद है वाकई असली नसली सैयद है तो उसको एहतियात करनी चाहिए वो उसको अल्लाह ताला हिदायत देगा तो बाकी तौफीक मिलेगी अगर असली है और अगर वो सिर्फ़ सैयद कहलाता है लेकिन साहबा के राम के बारे में खुल्लम खुला वो बात करता है जिसकी इजाज़त नहीं है तो फिर उसकी वो तज़ीम नहीं होगी क्योंकि उसके अकीदे पे शुबा हो गया जब तक सही उन नसब और सही उलदा है तज़ीम होगी हाँ अगर गुनागार भी है तब भी तज़ीम होगी लेकिन अगर ईमान और अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर तज़ीम नहीं होगी बेंगलोर इंडिया से मोहम्मद इकराम शरीफ साहब का सवाल किसी मुस्ंद किताब तजवीज़ फरमा दीजिए जिसमें अब बदर के मुकम्मल नाम मौजूद हों जी उसके हवाले से अब तो इंटरनेट पे फेसबुक पे अक्सर लोग चढ़ा देते हैं और वो नाम जो हैं उसमें किसी में हो सकता है कोई अगर इमला की ग़लती किसी से हो गई हो तो हो गई हो वरना वो नाम तो अब आम हो चुके हैं वरना पहले किताबें छोटे साइज़ की भी बड़े साइज़ की भी मौजूद थी तो बाजार में अब भी मिल जाती होंगी पुरानी छपी हुई लेकिन जो अब नई भी है तो वो अपनी तरफ से तो नहीं लगाएंगे आप उसको देख सकते हैं और अगर ना भी याद हो तो तमाम 313 या अब बदर कह के भी आप दुआ करेंगे उनके वसीले से अल्लाह तम फरमाएगा इन शगला सवाल इनका कि ज़कवात देना किस चीज़ में दुरुस्त है कुछ लोग कपड़े की सूरत में देते हैं कुछ लोग राशन की सूरत में देते हैं कुछ लोग नकदी देते हैं किस में बेहतर है जो भी आप दे सकें असल चीज़ ये है कि दूसरे को मालिक बनाना है इस तरह की चीज़ के वो आगे बेचना चाहे तो बेच सके उसको वो ये ना हो किसी और मसलन आपने खाना दिया है खाने का मालिक बना दिया है तो ज़क़त हो गई लेकिन आप कहेंगे बैठ के, के खा लो फिर ज़क़़त नहीं होगी असल चीज़ उसको मालिक बनाना है वो कपड़े हो राशन हो नकदी हो जिस तरह भी आप देंगे वो अदा हो जाएगी लाहौर पाकिस्तान से मोहम्मद अली मुस्तफाई साहब का सवाल के दांतों में अगर कोई चीज़ खाने के बाद लगी रह जाए गोश्त का टुकड़ा वगैरह और वो निकाला ना हो तो अब उसका क्या हुक्म है वज़ू हो जाएगा या नहीं अगर इतना है कि वो छोटे चने से जायद है आपने खिलाल किया वो निकल गया ठीक है अगर उस उससे जायद है तो फिर आपके लिए मसला है क्योंकि वहाँ पानी नहीं गया तो आप कोशिश करें पहले ख्याल कर लें उसको निकालें ताकि ये कि वज़ू सही हो जाए अगर उससे ज़्यादा मकदार होगा तो फिर वो वज़ू सही नहीं होगा वक़ार अंसारी साहब का सवाल कि ख़वान के लिए नमाज का क्या तरीका है और मर्दों के मुकाबले में क्या फ़र्क है वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो नमाज की किताब लिखी है उसमें उसको वाजे किया है मसलन ये कि औरत घर में नमाज़ पढ़ रही है पर्दे में पढ़ रही है घर के गोशे में पढ़ रही है तो वो हाथ अपने कपड़े के अंदर उठाती है कंधों तक ही उठाती है ज़्यादा ऊपर नहीं उठाती वो बांधने के उसके पर्दे के अंदर ही बांधती है और सिमट कर पड़ती है रुकू में ज़्यादा नहीं झुकती और सजदा सिमट कर करती है बस इतना फ़र्क़ है शमशाद अली साबरी साहब का सवाल कि अगर हालत रोज़ा में अगर किसी को कतरात का मर्ज़ हो तो अब उसमें हालत रोज़ा में क्या है काम होंगे ये मसला पता नहीं कितनी मरतबा बयान किया है। एक होता है मर्ज़ एक होता है कभी कभी कोई तकलीफ़ हो गई अब हम हमें इसतरा जो वाजिब है कि चालीस साल से उम्र ज़्यादा हो जाए तो जब हम इसतंजा को जाए तो अपने आप को झटका दें ताकि पेशाब का कोई ख़तरा कहीं रुका हुआ है तो वो भी निकल जाए तो झटका एक बार दो बार तीन बार देना चाहिए ये वाजिब है अगर किसी को मर्ज़ है कि उसका कतरा चलता रहता है तो उसको इलाज कराना चाहिए इतनी देर भी उसका कतरा नहीं रुकता कि चार रकत अदा की जा सके तो ऐसा शख्स अलग कपड़ा रखे और एक वज़ू से एक नमाज पढ़ ले। लेकिन ये कि रोज़े से उस रोजे उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन उसको इलाज कराना चाहिए और अपना उसका मामला दुरुस्त रखना चाहिए सईद यूसुफ साहब का सवाल के अगर किसी जगह बैत हो और वहाँ से छोड़कर अब किसी और जगह बैत करना चाहें तो क्या यह जायज़ है बैत तोड़ने का एक ही मसला है कि जी जिसकी बेत की है वो सही सहीदा नहीं है उसके अकायद में कुफर और ईमान का फ़र्क आ गया या ये कि वो गुस्ताखों बेअदबों की हिमायत करता हो या ऐसी बात करता हो जो शरा यानी शरीयत सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो बेत से अब अगर ऐसा था तो कायम ही नहीं हुई और अगर आपने कर ली है तो आपको तोड़ना ज़रूरी है क्योंकि वो मुर्शद बनने के लायक नहीं है तो अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ पाई गई है जो शरीयत और सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो आप बैत तोड़ सकते हैं और फिर किसी दूसरे से मैंने पहले कहा दो निशानियाँ ईमान और तकवा अक़दे भी सही हों आमाल भी सही हों और उसका जो सिलसिला है वो मुतसिल हो उससे लेकर नबी पाक अलैहि वसल्लम तक दरमियान में कता ना हुआ हो कट ना हुआ हो और वो शख़्स मसला मालूम कर सकता हो जानता हो तो वो सही मुर्शिद होगा नादिया शाहन गीलानी साहिबागर सवाल के मेरे जो मुर्शद हैं उनका अक़ीदा भी वही है जो कि आपका है और लेकिन जो मैं आपसे अकीदत रखती हूँ ख़ास तो उससे मेरी उनसे जो बैत है उस पर तो कोई असर नहीं आएगा नहीं मैं देखे ना अब एक शख्स से यना गौ से पाक रदी अल्लाह तन से उनके सिलसिले में बैत हो तो वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की महब्बत नहीं रखेगा क्या ख्वाजा नक्शबंद की महब्बत नहीं रखेगा सब एक ही है जो सही है वो सब एक ही हैं तो किसी से मोहब्बत रखने में ये नहीं होगा कि उससे वो फ़र्क़ हो लेकिन ये है कि अगर बेत अर्शात सही कायम हुई है उसकी उसी का फैज़ान समझे उसी की बरकत समझे बशर्ते कि वो सही कायम हुई हो तो अपने मुर्शद का ही फैज़ान समझे और जहाँ से तब्रक मिलता है वो लेंगे लेकिन अकीदत के लिए शर्त यही है कि सही हो किसी गलत से ना हो अगला सवाल गुलजार अहमद साहब का क्या तरावी की नमाज पढ़ रहे हों तो एक ही साथ चार रकात अदा की जा सकती है जी अगर अपनी नमाज पढ़ रहा है अलग तो वो चार रकतें भी पढ़ सकता है दो पढ़ना बेहतर है लेकिन चार पढ़ लेगा अलग इनफ़िरादी तो भी पढ़ सकते हैं दुबई से कैसर आज़म साहब का सवाल के अगर इमाम सहीदा शाफ़ई हो और वो नमाज़ शाफही तरीके से पढ़ाए तो क्या उसके पीछे किसी सही लकीदा हनफी का नमाज पढ़ना जायज़ हो, हो जाएगा अक़ीदा सही हो सुन्नी हो और वो उसमें उनकी वो नहीं करेगा ये मसलन ये कि रफ़ाद दहन वो कर रहे हैं ये नहीं करेगा लेकिन ये कि वो सुन्नी या लकीदा नमाज हो जाएगी अगला सवाल के नमाज़ में रब जालनी दुआ के अलावा कोई और दुआ पढ़ सकते हैं जी जो हदीस में तालीम की गई अल्लाबाइनी झलम तो नफसी ज़ुल्मन कसीरन ये भी याद हो ये पढ़ ले आ, रब जालनी है वो पढ़ ले अगर ये दोनों याद नहीं इन दोनों में से कोई याद कर ले साम शेख़ साहिबा का सवाल के शौहर की जेब में से या उसके रखे हुए माल में से उसकी इत्तला के बग़ैर कुछ रकम ले लेना क्या ये जायज़ है बीबी उस के लिए। सूरत में कि ज़रूरत है घर की जायज़ ज़रूरत है और शौहर नहीं दे रहा और वो ज़रूरत है वाकई उतनी रकम ले सकते हैं लेकिन इसको आदत ना बनाएं और यह है कि ज़रूरत से जायद ना ले बशर्ते कि वो नहीं देता हो देता हो तो उससे मांग के ही लेंगे इन्होंने लिखा है तो लिखा है कि चोरी करती हूँ नहीं बार बार करती हैं तो गलत करती हैं साहिबा का सवाल के नमाज के दौरान अगर आंसू आ जाएं और कपड़ों पर लग जाएं तो क्या आंसू नापाक होते हैं और इसका क्या हुक्म है और जो रोने के वक्त रिक्कतदारी जब हो जाती है तो पानी आता है नाक से भी तो उसका क्या हुक्म होता है आपके पास कोई आजकल लोग टिशू होते हैं या कोई कपड़ा है उससे वो साफ़ कर ले लेकिन आंसू नापाक नहीं होते आंसुओं से वो नमाज में कोई फ़र्क नहीं आता बशर्ते कि ख़ुद ब खुद बखुद आ रहे हों ला ना रहे हों खुद ब खुद आ रहे हैं वो और बात है इनका अगला सवाल के क्या औरत दौराने इद्दत ईद के मौके पर नया सूट पहन सकती है जी सा, सादा सूट होगा उसमें यानी बनाओ सिंगार वाली बात ना हो जैसे को भड़कता लिबास है वो नहीं सादा लिबास पहन सकती है कारी मोहसिन साहब के सवाल के कायनात में सबसे पहले आज़ान किसने दी इस हवाले से जो मुख्तलफ़ रवायातें ज़िक्र मिलता है कि जबरील अमीन ने दी है कुछ और कहीं ज़िक्र मिलता है लेकिन हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद हैं हज़रतमर ने ख़्वाब देखा था उसके बाद हुजूर ने हुकम दिया था तो उस तरह बाक़ी ये कि उससे पहले अगर आजान हुई है और या हज़रत नूसम के हवाले से कि उनकी कश्ती में दी गई ये रिवायात मिलती हैं लेकिन हम इन पर दावा नहीं कर सकते शकीला फ़यासब का सवाल के अहले सुन्नत में से कोई एक फ़र्द वाद आम इतब के लिए अगर खड़ा हो और तमाम अहले सुन्नत सपोर्ट करें उसे और वो मुंतखब होकर कौमी असम्बली में क़वत के साथ दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खड़ा हो मैंने आज तक किसी को वोट तो नहीं डाला और उस शख्स का भी नाम लिया उसको तो बिल्कुल नहीं डाला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अब चाहते हैं कि अपनी आइंदा आने वाली नस्लों की बका के लिए ख़तीब आजम रहमतुल्लाह रही जैसा कोई मर्द मुजाहिद पैदा हो अल्लाह करे जी होना चाहिए हम तो ये भी कहते हैं कि दूसरी पार्टियों में भी जाएँ ताकि जाके मसलक की नुमाइंदगी तो करें तो अगर ये सुन्नत आते हैं बाकायदा तो उनको करना चाहिए इससे गाफिल नहीं होना चाहिए नबी पाक के दीन को तख्त पेलाना चाहिए इमरान खान साहब का सवाल के रमदान औरत का मस्जिद में जाकर इमाम साहब के पीछे पूरे पर्दे के अहतमाम के साथ तरावी पढ़ना ये कैसा है मैंने पहले भी कहा है कि औरत अगर जाती है वहाँ पर्दे का इंतज़ाम है हिफाजत है आने जाने में तो ज़रूर जाए ताकि यह कि सुस्ती ना हो वो पढ़ ले कुरान करीम सुनने की नीयत से चली जाए तो नमाज़ पढ़ ले तो घर में सुस्ती हो रही है नहीं पढ़ पाएगी लेकिन जाना आना महफूज हो और वहाँ भी पर्दा हो पूरा है तमाम हो तो जाए ज़रूर पढ़े उस्मान अली साहब का सवाल के ज़रूरियात दीन से क्या मुराद है और इसमें कौन से अवामिल शामिल हैं इन कोशिश करूँगा कि इस ज़मेरा को इस मौजू पर आपसे गुफ्तु करूँ क्योंकि बहुत अरसे से ये बातें चल रही हैं तो चूँकि ये मंगल बुध दो दिन सवाल जवाब के हैं तो जब मैं रात को गुफ्तू करनी है तो मैं कोशिश करूँगा इन सामने इन बातों की इब्तदा करूँ कादिर साहब के सवाल के उमुल हजरत खदीजतुल्कुब्र सलाम तौम विलादत किस माह में है मैंने सवाल से कोई ऐसी मुस्ंद तारीख़ पढ़ी नहीं है उस ज़माने में कुछ हस्तियों की मिल जाती हैं कुछ की नहीं मिलती हैं उनकी योम विलादत के हवाले से तो मेरे पास मुस्ंद कोई तारीख़ मेरे जहन में नहीं है अगला सवाल आमफ़ी से पंद्रह साल पहले बताई जाती है पंद्रह साल पहले ये इतना पता है लेकिन महीना और तारीख़ मुझे नहीं मालूम जी लाहौर से बिनते सद्दीक साहिबा का सवाल के क्या औरत घर में औरतों की इमामत करवा सकती है सलात व तस्वीर और तरावी वगैरह हमने पिछली मरतबा भी जवाब दिए लोग नहीं सुनते दोबारा करते हैं सवाल औरतों की जमात असलन नहीं होनी चाहिए लेकिन कुछ औरतें हैं उनमें से कोई कुरान याद किए हुए जिसको हाफिज़ा कह लेते हैं तो वो इमाम की तरह आगे ना खड़ी हो सफ़ में एक कदम आगे हो जाए क़ुरान शरीफ सुनाए तो औरतें अगर पढ़ती हैं तो मना नहीं है लेकिन औरतों की जमात उसको नहीं कहा गया है तो अगर वो सुस्ती नहीं है मतलब सारी मिल के कह रही हैं कि इसने याद किया हुआ है सुनाना चाहती है तो आप अगर उस तरह उससे नवाफिल में सुन लें बहुत अच्छा है वरना उसके साथ तरावी भी पढ़ लें तो हो जाएगी दानियाल साहब का सवाल के अगर बच्चे की पैदाइश हो और बहुत ही कम वक्फ़े से दोबारा हमल ठहर जाए तो अब शरीयत उस बारे में क्या कहती है कि उस बारे में अब क्या है काम है अगर सेहत पर असर पड़ रहा हो इतना असर पड़ रहा हो कि ख़तरा हो बच्चे की जान को या औरत को तब वरना बिलूम यह हर साल बच्चे की विलादत अक्सर घरों में होती रही है और कोई ऐसी बात नहीं है तो अगर कोई इतना ख़तरा हो कि बच्चे को या उसको जच्चा को कोई बहुत तकलीफ़ वो डॉक्टर बता रहा हो कि आपके लिए बहुत ख़तरा है तो पहले चार महीने से पहले पहले वो अगर कर ले लेकिन ये कि नहीं करेगी अल्लाह ते मेहरबानी करेगा बाकी वो देख ले कि अगर कोई सही डॉक्टर जो दिन से यानी वाकफ हो अल्लाह से डरने वाला हो और वो वाकई बताए कि कोई शदीद ख़तरा है तो वरना नहीं नमाज में रब्बना आतिना फिर दुनिया ये दुआ पढ़ना रब्बे जालनी की जगह क्या ये जब तक याद नहीं है ये पढ़ सकते हैं अगला सवाल मियाँ अब्दुलरऊफ़ साहब का के अशार में और दीगर आ, अकवाल वग़ैरह के ज़रिए ये बात सुनने को मिलती है कि करबला में एक ऐसी अजान कही गई थी जो कि बाद में फिर कभी नहीं कही गई वो किसने अजान कही थी ऐसी अजान कही गई कि वो फिर कभी नहीं कही गई अजान के अल्फाज तो वही थे हज़रत सैदना अली अकबर ने दस मुहर्रम की सुबह अजान दी थी लाजमी बात है हज़रत अली अकबर ने उसके बाद अजान नहीं कही इतना कहे लेकिन कलेमात तो वही हैं उन्होंने कोई अलग कलेम तो नहीं कहे थे तो इस हवाले से कह रहे हैं तो ये होगा बाकी ये कि अजान तो उसके बाद भी कही जाती है अल्फाज भी वही हैं तो उनकी अजान के बारे में अगर कहा गया है तो लाजमी बात है उन्होंने जो अजान दी थी उसके बाद उन्होंने अजान नहीं दी शहीद हो गए थे लॉस ऐजल से समीना रावडा साहिबा का सवाल कि रब बना लकल हमद और रब बना हमद इन दोनों में क्या फ़र्क है इसके साथ और बढ़ाएँ अल्लाबाना वाला कल हमद ये ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि इसमें अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं अल्फाज की ज़्यादा से सवाब भी बढ़ता है माना भी बढ़ता है तो अल्लाह मबाना वाला कल हमद कहा जाए तो इस बहुत अच्छा है रावलपिंडी से मुहमद उमर साहब सवाल के सरत की मुस्ंद को तो तजवीज़ फ़रमा दीजिए जी इस पर भी कई मरतबा बात की है असल किताबें हैं अरबी में सीरत अबन हिशाम सीरत इबन इसहाक ये शुरू की किताबें हैं उसके बाद मतद किताबें अरबी में हैं उर्दू में मबाहिब लदनिया का तर्जमा हो चुका है बेहतरीन किताब है इमाम कस्तालानी की उर्दू में जयान नबी है पीर करम शाहब की अमामा नूरब तवक्ली की मुख्तर एस सीरत पर हुजूर के इसके अलावा और बहुत सी किताबें हैं अगर आप सिर्फ मुख्तसर पढ़ना चाहें और अच्छी पढ़ना चाहें तो मवाब लदनिया उसका सही तर्जुमा आपको मिल जाएगा वो आप पढ़ लें समीना रावड़ा साहिबा का सवाल के अल्लाजर नी मिनन्नार और अल्लाह अजर निनारे क्या फ़र्क है देखें मैं अपने लिए अकेले के लिए तो अजर के मुझे और अजर हमें तो अगर अपने घरवालों को सबको शामिल करके अजर ना कहें दूसरे मुसलमान जो इर्द गिर्द उनको भी अजर नी सिर्फ अपने लिए होगा तो ना निनार के अल्लाह हमें पनाह दे आग से तो हमें हो जाएगा अजर नी मुझे हो जाएगा बस ये फ़र्क है वकार अंसारी साहब आपने मर्द और और औरत की नमाज़ में फ़र्क के हवाले से पूछा अभी कुछ देर पहले भी साहब ने औरतों की नमाज का तरीक़ा बयान फरमाया और गुजा नशस् में भी मुफसल एक सवाल के जवाब में आपने कलाम फरमाया तो वीडियो मौजूद है आप देख सकते हैं अगला सवाल रावलपिंडी से महम्मद उमर साहब का कि मस्जिद की कलीन या सफ़े पुरानी हो जाए और इस्तेमाल के काबिल ना रहें तो इनको क्या किया जाएगा जला दिया जाएगा या फिर कुछ और नहीं उनकी बेदबी ना की जाए वो किसी ऐसी जगह रख दी जाए कि वहाँ पर अगर कोई लोग उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं और अगर बिल्कुल काबिल इस्तेमाल नहीं रही हैं तो उनको जो इस तरह नहीं किया जाएगा कि उनकी तोहन हो अगर वो फ़रोख्त होती हैं तो उसका पैसा मस्जिद में उतना वापस आ जाए जितने की वो जाती हैं तो उतना पैसा दोबारा आ जाएगा वो यानी कि किसी गलत इस्तेमाल में ना लगाई जाए आदिल बिन मकसूद साहब का सवाल के अफ़ार के वक्त का सबसे अफजल वजीफ़ा या दुआ कौन सी है जी अफतार के वक्त हमें तालीम किया गया कि रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं होती तो उस वक्त वो इस्तार करते हुए कलाम में इलाही पढ़ते हुए जितनी नेक दुआएं कर सकता है करे बाकी ये कि कुछ लोग कुछ आयात पढ़ लेते हैं कुछ औरत पढ़ लेते हैं कोई फिक्स नहीं है कि लाजमी वही पढ़नी है लेकिन ये कि जो भी मुबारक कलेमात हैं वो पढ़े जाएँ दुआ की जाएँ अल्लाह कबूल करने वाला है बेशक खलील महमूद साहब का सवाल के सफ़र में अगर फ़र्ज़ नमाज रह गई तो कज़ा क्या कसर अदा की जाएगी हाँ जी कसर जो है कसर की क़़ाबी कसर होगी लाहौर से हमाद साहब का सवाल के इस्लाम में पड़ोसियों के क्या हकूक़ हैं नीज़ ये भी बता दीजिए कि अगर पड़ोसी ख़म नबूत का मुनक हो तो क्या अब वो हकूक़ बाकी रहेंगे या नहीं अगर वो अकीदे में मुसलमान नहीं है काफिर है तो और हुकुम मुर्तद का हुक्म और है मुर्तद और है काफिर का हुक्म और मरत से कोई तल्लक़ नहीं रखा जाएगा अलबत्ता काफिर है तो काफिर के साथ रस्मी तौर पर जो नेकी की जाती है लाजमी बात है आप उसके लिए अजियत का सामान नहीं बनेंगे आप उसके लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं अगर आपके से वो महफूज नहीं है तो बहुत मतद रवायात पड़ोसियों के बारे में हैं लेकिन कोई शख्स मरतद है उसके साथ कोई रियायत नहीं होगी अलबत काफ़िर है तो उसके साथ रस्मी तौर पर जो दुनिया में किया जाता है ने की वो की जाएगी अगला सवाल उस्मान शफ़ी साहब का नॉर्वे से वो पूछते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मुबारक औलादें थीं छः या फिर सात हमेशा बताया है सात औलादें तीन बेटे चार बेटियाँ छः हज़रत हज़रतुलकबरा से एक बेटे हज़रत इब्राहीम हज़रत मारिया से रदी अल्लाह तन हम तो सात औलादें हैं लाहौर से शब्बीर साहब का सवाल के गसल के दौरान गिलास में पानी लेकर उससे फिर कुल्ली करना यह कैसा अमल है इब्तदा में या दरमियान में अगर आपने शुरू में वज़ू कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं किया है आपने तीन फर्ज जो है कि कुल्ली करना नाक में पानी वो अगर आपने हाथ में लिया है या गिलास में लिया है लेकिन दरमियान में गिलास लेने का क्या मतलब होगा अलबत् आप ये समझ रहे हैं कि आपका हाथ आपका चुल्लू आप उसको पसंद नहीं कर रहे और गिलास से ले रहे हैं तो कुल्ली करने के लिए आप ले सकते हैं लेकिन जब आपके हाथ धुले हुए हैं तो आप हाथ में चुल्लु से भी पानी ले सकते हैं फिर वही वो ज़र का सवाल आया रियाही मर्ज़ अगर किसी को हो? जी मैं रियाही मर्ज़ हो पेशाब के कतरों का मर्ज़ हो ऐसे तमाम मरीज़ अगर चार रकत नमाज अदा करने के वक्फे में भी ठीक नहीं रहते तो वो एक वज़ू से एक नमाज पढ़ लें लेकिन उनकी ऐसी हालत हो और अगर इससे इस, इस ज़्यादा वक्फा वो रुक सकते हैं तो फिर उनको वज़ू करना अलग से पड़ा महमद अदनान साहब के सवाला इनका पहला सवाल ये कि मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसे मछली पानी में और मुनाफिक ऐसा है जैसे परिंदा पिंजरे में क्या ये हदीस के अल्फाज हैं मुझे इसके बिल्कुल मनोन इस तरह अल्फाज हदीस में तो नहीं अलबतः किताबों में पढ़े हैं अब उन्होंने वो उसकी तशरी करते हुए लिखे अल्फा ये हैं मैंने पढ़े हैं लेकिन किसी हदीस के उसमें यानी सनत के साथ मैंने नहीं पढ़े ये अल्फाज ज़रूर मेरे पढ़े हुए हैं तो मैं नहीं कह सकता कि ये हदीस ही हैं या हदीस की शरा है अगला सवाल ये वक़ार अंसारी साहब पूछते हैं कि इन्होंने मदीना मुनवरा में बहुत सी ख़वातीन को देखा है जो कि मर्दों की तरह नमाज़ पढ़ती उनके बारे में इनको क्या परेशानी है ये अपनी नमाज की फ़िक्र करें उनको अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो उस तरह वो मक्का मुकर्रमा में चूंकि वो उनके हैं मस्जिद नबी में तो फिर पर्दे में गोशे हैं मक्का मुकर्रमा में तो ओपन है तो वो उन्होंने अगर देखा है तो अल्लाह ताला रहम करे अब जो नहीं पढ़ती हैं उस तरह औरत को चूँकि अल्लाह ने साख्त अलग दी है तो उसके लिए उसके लिए एहतमाम किया है कि वह साख्त के, के हिसाब से उसको कोई मैली निहें ना देखे उसकी वो चीज़ें ज़ाहिर ना हों तो उनको ख्याल करना चाहिए अगर नहीं करती हैं वो गुनागार होंगी लेकिन ये उनकी तरफ़ क्यों देखते हैं मोहम्मद अदनान साहब का सवाल के रोज़ेदार की दुआ कबूल होने का कौन सा वक्त है पूरा दिन या फिर ख़ास इफ्तार के वक्त इफ्तार के वक्त के लिए चूँकि ख़ास हदीस शरीफ मौजूद है वाक़ अल्लाह दुआ कबूल करने वाला है हर वक्त करते रहना चाहिए उम हुसैन साहिबा का सवाल के नमाज में सजदे सजदा करते वक्त तस्बी पढ़ने के बाद अगर दुआ कर ली जाए तो क्या यह जायज़ होगा फ़र्ज़ नमाज में नहीं है आपकी नफल नमाज़ में है तो आप वहाँ पर दुआएँ जो मासूरा हैं वो अगर पढ़ती हैं या करती हैं वो कर सकती हैं लेकिन फ़र्ज़ नमाज में तस्बीह ही पढ़नी है आपने अगला सवाल ज़ीशान कुरैशी साहब का औरत उम्र अदा करते वक्त पर्दे का अहतमाम किस तरह करें जी उसका सिर्फ़ ये कि जिसमानी साख्त इतनी ऐसे तंग कपड़े ना पहने हों बारीक कपड़े ना पहने हों चादर ओढ़ी हो, हो आज कल औरतें गाउन पहन लेती हैं तो वो है बाकी चेहरे की टिकिया जो है उस पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए वो अगर उस पर्दा करती है तो इस तरह कपड़ा हो कि वो चेहरे से ना लगे और अब तो इसने कोरोना वायरस ने दुनिया को बहुत कुछ सिखा दिया है औरतें अब भी नहीं समझे मसला तो हम क्या करें बाकी यह है कि जी उनको जिसम की साख्त ऐसी नहीं हो ऐसा कपड़े तंग ना पहने के जिसम की साख्त नज़र आए या बारीक कपड़े ना पहने अल्लाह के घर में हैं तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जैसा हुक्म है वैसा करें चेहरे के बारे में अगर ये है कि वो पर्दा नहीं करती है कपड़ा नहीं लगाती है लेकिन चेहरे के अतराब बाकी बाल नज़र नहीं आने चाहिए तो वो ऐसा लिबास पहने जिसमें वो पकीज़ा लगे मुहबा माकदा साहबा का सवाल कि अल्लाई क्या ये भी इसतफ़ार के हकम में शामिल है जी ये दुआ है अल्लाह मुझे बख्श दे लेकिन ये है कि यह भी पढ़ना है और ख़ुद नबी पाक सल्लाम ने जिस तरह दूसरे कलेमात तलीम फ़रमाए हैं वो भी पढ़ने हैं महमद शफ़ी साहब का सवाल कि उम्मत मुसलिम हद पर होने के बावजूद जवाल पज़ीर क्यों हैं और कुफ़ार जो कि रोज़ बरज़ नहायत शफाक और ाल चेहरा अपना दुनिया को दिखाते हैं उनका चेहरा जाहिर होने के बावजूद भी वो इतने तरक्की पजीर क्यों हैं तरक्की याफ़्त क्यों हैं सवाल करने वाले मेरे भाई अदीस मौजूद हैं कि तुम कसरत में होने के बावजूद भी उनके रोब में हो गए ये हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं हम लोग अल्लाह तर यकी कामिल क्यों नहीं रखते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसम के सच्चे पाबंद क्यों नहीं होते ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं कुफ़ार का चेहरा पहले दिन से ही नुमाया है वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते क़ुर ने वाज़े किया मगर उसके बावजूद हम उनसे दोस्ती करते हैं उनका लिहाज करते हैं तो ये बातें हमारी हमें जो गौर करना चाहिए अपने हालात पर अपने अब आप मुझे बताइए कि हम गैरों की चीज़ें कितनी ख़ुशी से लेते हैं तो हम मुसलमानों को कहाँ तकवीत पहुँचा रहे हैं अब हज है उम्र है कौन सी करेंसी चल रही है किसको फ़ायदा हो रहा है वहाँ जो मसनूआत बिक रही हैं हम कौन सी ले रहे हैं मुस्लिम ममालिक मिलकर क्यों नहीं ख़ुद सोचते छप्पन सत्तावन मुल्क हैं इस्लामी क्या इन्होंने कभी अपने आप को मजबूत करने और उसकी फ़िक्र की कश्मीर का मसला आया फ़लस्तीन का क्या सब एक हुए तो ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं फिर हम ग़ज़ाएँ कौन सी खा रहे हैं चीज़ें प्रोडक्ट्स अब मुझे बताएं हज़ारों साल से दुनिया दूध पी रही है खुला दूध कोई हुआ मसला अब ख़ास तौर तो पर ब्रांडेड लाए जा रहे हैं पानी हमें नहीं पीने दिया जा रहा वो भी हमें ब्रांडेड दिया जा रहा है तो हम लोग तो उनके हाथों में खुद ब खुद जा रहे हैं उन्हीं की कोल्ड ड्रिंक्स उन्हीं की चॉकलेट्स उन्हीं की चीज़ें जबकि तसल्ली भी नहीं है और फिर भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हम ऐसे क्यों हैं तो हमें अपने आप को सोचना होगा खुद गौर करना होगा अपने मामलत पर और अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता उस वक्त तक जब तक वो ख़ुद अपनी हालत ना बदलना चाहे इनल यु रुम कौमिन हतई रुमानफी कुरान में है वह अलीसान लाम असा और इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करे तो क्या हमारी कोशिशें ईमानी हैं हम तो इस्लामी जमहूर पाकिस्तान में मेरा जिसम मेरी मर्जी कैसे कैसे बैनर उठा के लगे हुए हैं हम जिन्स परस्ती के लिए लगे हुए हैं कैसी बातें करें हम तो हमें अपने अमाल देखने हैं, हम ख़ुद अपनी तरफ अपने अंदर तब्दीली नहीं चाहते और शिकायतें कर रहे हैं तो जब तक हम नहीं सुधरेंगे ये माहौल नहीं सुधरेगा ओकाड़ा से हसन लाशारी साहब का सवाल के अहतम की सूरत में क्या रोज़े पर कोई असर आएगा नमाज ना जाए अहतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता लेकिन कोशिश करे कोई नमाज ना जाए सईद यूसुफ़ साहब के सवाल के कुछ लोग जुमा के रोज़ जुमे की नमाज फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बाद दुआ नहीं मांगते क्या उनका ये करना दुरुस्त है नहीं मांगते तो महरूम रहते हैं जो जिसने लेना होगा रब से वो मांगेगा बार बार मांगेगा जो नहीं मांग रहा तो उसकी नमाज उसको क्या तो शरीफ में यहाँ तक आता है कि आखिर वक्त तक दुआ ना मांगे तो फरिश्तों को कहा जाता है इसकी नमाज़ इसके मुंह पे मारो इसने कुछ मांगा नहीं रब अता करे और हम जनाब लापरवाह बने अजीब सी बात है जो नहीं मांगता महरूम रहता है ठट्टा से शाहनवाज साहब का सवाल के सर के बाल कटवाने के बाद नहाए बग़ैर क्या नमाज़ अदा की जा सकती है अगर ख़ून नहीं निकला है ख़ून भी वो निकलना है जो निकल के ख़तरा बन के आगे बहे तो कोई नहीं अगर हाँ बाल उसके जिस्म पर हैं मौजूद कपड़ों पे वो उनको झाड़ना ज़रूरी होगा क्योंकि जो बाल कट गया है वो नापाक हो गया है तो नहाना ज़रूरी नहीं है लेकिन वो उसको साफ़ करना कि उसमें लगे हुए ना हों अशर चौधरी साहब का सवाल के शादी के लिए कितना माल होना ज़रूरी है इसलिए माल होना ज़रूरी है इतना कि ख़ुद खा सके उसको खिला सके पहन सके पहना सके बाकी तो माल ये जो आपकी तकरीबात के हैं ये तो आपने रखे हुए हैं ने तो आप पे कोई ख़र्चे नहीं रखे ये तो आपने अपने रस्म व रिवाज बना लिए हैं और शादियों को महंगा करके गुनाह को आम कर दिया है बाकी ये कि आपके पास लड़की को देने के लिए खाना पीना और रहने की जगह एक कमरा ऐसा हो कि आप उसको दे सकें ये ज़रूरी है बिनत अज़ीम साहेबाग सवाल के तरावी की नीयत किस तरह की जाएगी इकट्ठी बीस रकत की भी अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो कर ली जाएगी अलग है तो दो दो रकत की भी करनी है तो भी कर ली जाएगी कि नीयत करता हूँ या नीयत करती हूँ मैं नमाज तरावी सुनत मौक् माह रमदान के जो हवाले ने सिर्फ़ तरावी भी कह दिया काफ़ी है बाकी अल्फाज वही जो दूसरी नीयत के होते हैं फारूक रशीद साहब का सवाल के अगर कोई ज़रूरतमंद है मगर वो किसी से सवाल नहीं करना चाहता कुछ तकाज़ा नहीं करना चाहता तो अब उसको क्या करना चाहिए उसको क्या करना चाहिए उसके इर्द गिर्द जो हैं पहचानते हैं उनको उसकी मदद करनी चाहिए वो हाल ज़ाहिर है उन पर नहीं है पूछ लें उससे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो अगर खुल के नहीं कहता तो इशारों में कह दे अब जब तक बताएगा नहीं दूसरों को पता नहीं चलेगा तो फिर कैसे मदद करेंगे कोई कोई नहीं पहचान रहा नहीं देख रहा किसी को नहीं समझ आ रही तो किसी तरह इशारे में कह दे लिख के दे दे किसी तरह बता दे ख़ुर्शीद रज़ा साहब का सवाल के फ़जर में अगर सुन्नत की अदायगी की वजह से अंदेशा हो के जमात चली जाएगी तो क्या फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बाद सुन्नत अदा की जा सकती फ़ौरन नहीं सूरज निकलने के बाद अगर उसको इतना है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँगा और फिर भी मिल जाएगी मुझे रकत मिल जाएगी तो पहले पढ़ ले और अगर ये कि समझता है कि नहीं जमात निकल जाएगी तो जमात में शामिल हो जाए और सूरज निकलने के बाद सुन्नतें पढ़ अब मारा हसन साहिबा का सवाल के सूदी लेन देन करने वाले की शादी में जाना कैसा है अजीब सवाल है ये बाकी जितने लोगों से मिलते हैं उनके बारे में इनके पास क्या तसल्ली है एक शख्स सूदी कारोबार करता है उसके साथ हम ताल्लुक ओपनली करता है नहीं रखेंगे उसको समझाएंगे बाक़ी ये कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा तो उसमें अगर आपको वाकई मालूम है तो आप उसको जा क्यों नहीं रहनुमाई करते प्यार से क्यों नहीं बताते कि ये बिल्कुल गलत है हराम है सख्त है उसके जो जितना भी क़ुरान हदीस की बातें उसको बताएं लेकिन ये कि उनके यहाँ अगर आप कोई और नहीं है अगर कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जाना है तो आवाज़ बंद करके जाए बंदा पता तो नहीं कैसे तो अगर कोई और ऐसी चीज़ नहीं है तो उसमें जाएं जाकर उनको समझाएं लेकिन सिर्फ जाना बंद नहीं है आपका टेलीफोन बोला था तो आपसे फ़ौर उसकी आवाज़ बंद नहीं होती आप बजाते हुए गए हैं मेरा प्रोग्राम रोकना पड़ा है जी अगला सवाल रीान शेख साहब का मगरिब की नमाज़ बिला कराहत कब तक पढ़ सकते हैं सितारे गुत जाते हैं ना जब तो उसके बाद वो तकरीबन 20 मिनट टाइम आता है जिसमें आसानी से उसके बाद वो सितारे गुत जाते हैं तो आप पढ़ना तो उसके अशा तक भी है आपको पढ़ना ही है लेकिन ये कि वो जो सही वक्त है वो गुजर जाता है आदिल बिन मकसूद साहब का सवाल कि तजद की नमाज का तरीक़ा बता दीजिए जी तहजद रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप सो गए हैं या उंग आ गई है आपको उसके बाद एक मिनट की उंग आई है या आधे मिनट की उंग आई है आ गई है तो तहजद का वक्त शुरू हो गया है लेकिन उसका बेहतरीन वक्त रात का पिछला पहर यानी फजर से एक घंटा पहले तो आप कम से कम दो नफल ज़्यादा से ज़्यादा बारह कम से कम दो ज़्यादा से ज़्यादा बारह नफल आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ते हैं अल्लाह ताला मुबारक करे तौफीक आमीन हमारे यहाँ तरीक़ा ये हमारे हजरत साहब बताते थे पहली रकत में पाँच मरतबा सूरह फातह के बाद पाँच मतबा सूरह अख्लास दूसरी रकत में तीन मरतबा तो दो रकतों में आठ मरतबा हो जाएगा वो इस तरह बताते थे कुछ लोग यूँ करते हैं कि पहली रकत में एक मरतबा दूसरी मधु दो मरतबा इस तरह बारह तक जाते हैं और फिर इसी तरह कम होते हैं वो तो उनका वो करना चाहें वरना जैसे भी है वो नफल नमाज है उसमें एक से ज़ायद मरतबा कोई सूरत पढ़ते हैं पढ़ सकते हैं एक एक मरतबा पढ़ते हैं पढ़ सकते हैं अब्दुल करीम उबैद साहब का सवाल रॉयलर चिकन खाने के बारे में क्या शर्ी हुकुम है मेरे नज़दीक मेरे कैमिकल्स हैं उसकी फीड जो है वो ही इतनी गलाजत से भरी होती है केमिकल्स हैं जिस दिन से ये आई है कैंसर की बीमारी फैली हुई है ये पोल्ट्री फार्म जितने बने हुए हैं अट्ठारह दिन में वो मुर्गी अपना वज़न नहीं उठा पाती है वो दूसरे को क्या फ़ायदा उठाएगी और ना बाप का पता ना माँ का पता बहर मेरे नज़दीक मैं उसको हराम नहीं कहता हूँ लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करता किसी सूरत छूना भी नहीं चाहता मोहम्मद उमर साहब का सवाल के क्या औरत के लिए यह जायज़ है कि वो तलाक़ के बाद बच्चों को उनके वालिद से ना मिलने दे बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं न बाप रोक सकता है ना माँ रोक सकती है सिवाय उस हालत में कि उसके बारे में पता हो कि वो बहुत बद किरदार है उसका उठना बैठना या ऐसी हालत ये वो नशा करता है या वो बहुत बुरी उसके वरना ऐसी बात नहीं है ना उनके ख़िलाफ़ किया जाएगा दो मिलने का हक़ है वो उसको मिलाने के लिए तो अगर कोई ख़तरा है तो हिफाजत में मिलवाएं, नहीं है तो वैसे उसको इख्तियार है उसकी उसका नसब है उसकी औलाद है आसिफ अली सिद्दीकी साहब का सवाल के सजद साहब के क्या है काम है और उसका सही तरीक़ा क्या है आप कोई नमाज पढ़ रहे हैं उसमें कोई वाजिब काम आप भूल जाएँ सहव के माने ही भूल के हैं कि आपको याद नहीं रहा भूल गए आप तो आखिरी कादे में तशाहत के बाद आप एक तरफ सलाम फेर के सजदा साहब करते हैं कोई वाजिब रकुन रह गया तो भूले से रह गया लेकिन उसके अलावा कोई फ़र्ज रह गया होगा तो दोहरानी पड़ेगी इस्लामुद्दीन सैफ़ी साहब का सवाल के तहजद की नीयत किस तरह की जाएगी असनीयत आपके दिल के पक्के इरादे का नाम है आपकी नीयत है कि जी मैं तजुद पढ़ रहा हूँ इतना आपके चूँकि आपका इरादा है पक्का जबान से अल्फाज कहना अच्छी बात है लाज़िम नहीं है अच्छी बात है जिसको मुस्तब कहते हैं पसंदीदा बात है तो आप कहेंगे कि मैं दो रकत नमाज तहजद नफल अल्लाह के लिए अदा कर रहा हूँ बाकी अल्फाज वही होंगे वकार अंसारी साहब आपने लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से पूछा गुज्त से गुज्त नश्त यानी ये जो लास्ट ट्यूसडे को जो नशस्त हुई थी मंगल को उसमें अलामा साहब ने इसका हुक्म बयान फरमाया था बहुत ही तफसल के साथ वीडियो मौजूद है आप देख सकते हैं अगला सवाल अंसारी साहब का पैंट के पांचों को टखनों से नीचे रखने का क्या हुक्म है पांचे पजामे के हों लुंगी का हो वो पोर्शन शलवार का हो पतलून का हो टखनों से नीचे जो कपड़ा गुरूर और तकबर की वजह से रखा है वो तो हराम है वो तो आग है अगर किसी का पेट निकला हुआ है वो खुद खुद थोड़ा सा सरक के आ जाता है वो और बात है बग़ैर तकबुर के है किसी के जिस तरह राइज है लेकिन ये कि बनाना ही नहीं चाहिए इतना लम्बा मर्द हो या औरत तखनों तक लिबास हो तखनों से नीचे ना हो वसिया बता क़ुरान का हुक्म है वो ज़मीन से लग सकता है कोई पानी वगैरह से लग सकता है दूसरे से आपको पता ना चले और आपके कपड़े नापाक हों तो और ख़ास तौर पर ये जो शादियों में या वैसे फ़ैशन में वो जो वेल कहलाता है लड़कियां लंबे लंबे कपड़े जो हैं आजकल तो ये सारे आग हैं क़यामत के दिन आग में दाग कर इससे आपका जिस्म दागा जाएगा तो अल्लाह से डरें ऐसा ना करें अगला सवाल मोहम्मद वसी अहमद साहब का अज़ान के वक्त बैतुलखला जाना क्या बेअदबी है अगर उसी वक्त जानबूझ के गया है तो ग़लत है लेकिन उस पर कैफियत है, ऐसी है कि रोक नहीं पा सकता वो और हुक्म है लेकिन ये कि पहले जा सकता था लेकिन गया उसी वक्त है वो ग़लत है आमिर साहब का सवाल के एक जानवर जो कि हमने ख़रीदा हो इस नीयत से कि इसे अल्लाह की राह में देंगे तो क्या अब उसी जानवर को ज़बा करके दावत वलीमा कर सकते हैं कि बाद में कोई दूसरा जानवर ले, ले लेंगे अल्लाह की राम देने के लिए जी अगर आपने उसी जानवर की नीयत कर ली थी तो फिर तो आपको नहीं करना चाहिए लेकिन यह कि आपने वैसे ही कि जी मैं जानवर ले रहा हूँ और उस पर कोई आपने ऐसी मन्नत नहीं मानी कि जो वाजिब हो जाए तो वाजिब नहीं हुई है तो आप उससे वलीमे में खा सकते हैं अगर वह आपने उसके लिए कोई ऐसे लफ्ज़ कह दिए हैं जिससे वो वाजिब हो गया फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अगला सवाल तलहा साहब का कि तहजद के हवाले से आपने सोने का हुक्म बयान फरमाया तो क्या वो सोना लाजमी है या फिर बग़ैर उसके भी? एक शख्स है जिसको आदत है बारह महीने जागने की वो रात के पिछले पहर उसको सलात वो कायम मकाम हो जाएगी तहजद की जो जागता है सोता ही नहीं है लेकिन एक शख़्स कभी कभार जागता है मगर उसको अक्सर आदत सोने की है तो उसके लिए वही हुक्म होगा लेकिन अगर वो जाग रहा है पूरी रात और उसने पिछले पैर पढ़ ली है वो सलातुल्ल कहलाती है अल्लाह ताला उसको तजुद का दर्जा दे दे कबूल फरमा ले साइबा शेख साहिबा का सवाल अभी जो आपने किनाया अल्फाज का हुक्म बयान फरमाया तो उस हवाले से वो पूछती हैं कि अगर शोहर के बार बार इस तरह जुमलों की तकरार करने से क्लाक वाक़ हो जाती है तो अब मेरे लिए क्या हुई है मेरी शादी को बाईस साल गुजर चुके हैं जी इस हवाले से आप कहाँ रहती हैं उसके क़रीब तरीन कोई मदरसा होगा वरना बहार शरीत में वो अल्फ़ लिखे हुए हैं उनकी तफसील लिखी हुई है वो देख लें वरना क़रीब तरीन कोई मुफ्ती हों उनको जाके के सरत हाल हकीक़त हाल बताएँ वो आपको वाज़ कर देंगे नफ़ीस अहमद साहब का सवाल के तरावी के दौरान अगर इमाम साहब तिलावत के सजदे में गए हों पहली या दूसरी रक़ात में और उसी वक्त हम पे नींद तारी हो गई हो और ध्यान ना रहा हो और वो सजदे से फिर वापस आ गए हों उस वक्त हो चाया हो कि अब सजदा रह गया अब क्या किया जाएगा क्या नमाज़ हो जाएगी ये आप बाद में अपना सजदा दोबारा कर लीजिएगा अल्लाह अकबर कह के और वो दो रकात हो जाएंगी वो तो उन्होंने जो नमाज़ में शामिल है वो हो जाएंगी लेकिन उस कैफ़ियत जो बयान कर रहे हैं उसके मुताबिक अगर ऐसा हुआ हो तो वकास बुखारी साहब का सवाल के अगर महरम ना हो या उसके इसबाब ना बनते होंमरा पर जाने के लिए तो अब क्या हुक्म है औरत अकेली जा सकती है औरत पर उम्र है ही नहीं फिर उस सूरत में जब उसके लिए जो अकाम नहीं पाए जा रहे तो उसके लिए उम्र और हजगी वो भी नहीं रहेगी उसके पास और अगर उसके लिए महरम का इंतज़ाम हो जाए कोई भी जो महरम है या ऐसे ग्रुप में जा रही है और उसके साथ हैं उसके रिश्तेदार भी और वो महफूज है तो चली जाए लेकिन जो शरीयत का हुक्म है वो मैं नहीं बदल सकता चार रकत वाली नमाज में जब बाज़मात अगर शामिल हो रहे हों तीन रकत निकल चुकी हों तो अब किन रक़त में सूरत में लाएंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा जो रकतें आपकी जिस तरह रह जाएंगी आपकी पहली तीन रकतें रह गई तो आप पहली दो रकतों में तिलावत करेंगे तीसरी में नहीं करेंगे जिस तरह नमाज होती है आपकी तरतीब में जिस तरह रह गई हैं उसी तरह आपने अदा कर दी है अगला सवाल मुजाहिद रजा साहब का जुमा के दिन सिर्फ़ फ़र्ज पढ़ कर चले जाने वालों के बारे में क्या शरीय हुक्म है अल्लाह ताला हिदायत दे यही है जानबूझ के छोड़ रहे हैं तो एहताब हो सकता है पकड़ हो सकती है अल्लाह से डरना चाहिए कोई मजबूरी थी किसी वक्त सुन्नतें नहीं पढ़ सके कोई और बात थी लेकिन ये कि आदतन ऐसा करना अच्छी बात नहीं है इसमें तो बहुत वईदे हैं आदिल ख़ान साहब का सवाल कि दूसरे मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी किस करेंसी के मुताबिक निकालने के जो कमाते हैं जो कमाते हैं लाजमी बात है आप उस मकामी हिसाब से उतनी ही बनेगी ना आपकी अब आप उसका बदल करने के यहाँ भेजना चाहते हैं तो यहाँ भेजेंगे तो वो आप उसको इख्तियार दे दें उसको जो पैसे भेजेंगे वेस्टर्न यूनियन के तहत या जो भी वो भेजेंगे उतनी रकम बनेगी वो यहाँ आपकी तरफ से अदा कर देगा आपने जिसमें कमाते हैं हिसाब आप उसी में करेंगे ना मिसाल के तौर पर आप डॉलर कमा रहे हैं यूरो कमा रहे हैं पाउंड कमा रहे हैं तो हिसाब क्या पाकिस्तानी रुपयों में करेंगे आप तो जिसमें हिसाब होगा आपका जो आपके है उसके आप बनाएंगे अलबत् यहाँ आपने उसको भेजना है तो आप उसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वो यहाँ की रकम के हिसाब से उसकी वो करेंसी हो जाएगी वो तकसीम कर दी जाएगी वो आप किसी को वकील बनाएंगे अपना जिसको भी कहेंगे कि मेरी तरफ़ से ये अदा कर दो लेकिन जिसमें कारोबार है आपका उसी हिसाब से आप बनाएंगे ये आज का आखिरी सवाल इन जो सवाल रह जाएंगे वो अगली नशस्त में इब्तदा में ले लिए जाएंगे आप लोग अपने सवाल इसी लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं लाइव स्ट्रीम ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आप लिख सकते हैं अगली नश्त से पहले पहले आपके सवाल शामिल कर लिए जाएंगे या फिर आपके पास पेज इन बॉक्स और व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद है आप उस पर अपने सवाल जमा करवा सकते हैं अगली नशत से पहले हमारी पूरी कोशिश होती है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अल्लाह साहब तक पहुँचाएँ आज का आखिरी सवाल निदा फ़ातिमा साहिबा का क्या अहदीस में यह आया है कि पंद्रहवीं सदी ही आखिरी सदी है और इसी के अख्ताम पर कयामत आएगी लोगों से अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि ये सदी आखिरी सदी है जो कहते हैं उनको मालूम होगा मुझे नहीं मालूम मैं डरता हूँ मैं हर वक्त अपने ईमान की हिफाजत की अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं दुनिया से जाऊँ ईमान मेरा सलामत हो बाकी ये है कि जी कौन सी तारीख़ है कौन सी सदी है मेरे इल्म में नहीं है जो लोग कहते हैं उनको अगर मालूम है वो जानते होंगे अल्लाह ताला वो जो कयामत की निशानियाँ जिस तरह बताया गया मैं उनसे भी चाहूँगा अच्छा कि अल्लाह उससे पहले ईमान के साथ ले जाए सामयीन व आपसे एक दो बातें करना चाहता हूँ अगर जनाब इमरान अहमद ख़ान ने भी सुन सकें तो बहुत अच्छा है और दीगर ज़िम्मेदार भी सुन सकें तो बहुत अच्छा है अपने बारे में बता दूँ कि मैं बहुत गुनागार बहुत नालायक बहुत मामूली सा इंसान हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ सही उलदा सुन्नी हूँ मसल के हक अहल सुन्नत व जमात बरेलवी के मुताबिक सही अकायद पर इस्तेकामत चाहता हूँ महब वतन पाकिस्तानी हूँ पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ जिन माँ बाप की औलाद हूँ उन्होंने पाकिस्तान बनाने में भी बहुत क़ुरबानिया दी बहुत खिदमत अंजाम दी मेरे वालद ग्रामी मुजद मसल अहले सुन्नत ख़तब आजम हज़रत मौलाना मोहम्मद शफी साबोकाड़वी रहा आयाम पाकिस्तान की तहरीक में भी शामिल थे उन्नीस सौ बावन तिरपन की तहरीक तहफ़ ख़त्म नबूत में फिर तहरीक दिफा पाकिस्तान और उसके बाद तहरीक निज़ाम मुतफ़ा तहरीक इतिहाद बैन अमुसम उसमें वो काफिला सालार थे उनकी खिदमत दुनिया के सामने मसलकन मशरबन हम लोगों ने हमारे घराना ने जो ख़िदमत की है दीन की उसी हवाले से हमें इज़्ज़त दी जाती है अल्लाह का लाख लाख शुक्र बहुत इज्ज़त बहुत लोग मोहब्बत से अक़ीदत से पेश आते हैं वाले साहब कबला कौमी इसम्बली के भी रुकन रहे वफाक़ी मजलिस शूर के भी रुकन रहे वाले साहब के बाद मुझे छः मरतबा वजारत की और मुशीर बनने की और इसके अलावा कई उदों की ऑफर की गई मैंने ये कहकर माजरत कर ली कि मैं झूठ नहीं बोल सकता ग़लत को सही नहीं कह सकता ग़लत बात की तायद नहीं कर सकता अल्लाह का शुक्र है उसने ईमान की दौलत दी है लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं नबी पाक अलैहि वसल्लम का नाम लेने की वजह से माह रमदान है हमारे मुल्क में सियासतकारों ने तकदस ही ख़त्म कर दिया रबी अव्वल हो मुहर्रम हो रमदान हो इनके अपने चोंचले उसी तरह जारी रहते हैं ये परवाह नहीं करते कि ये दिन किन चीज़ों के लिए हैं इनमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इमरान साहब आपकी आदत रही है आप कहते थे घबराना नहीं मगर हम बहुत घबरा गए आपने एक जिंदगी गुजारी खुद आप कहते हैं कि 22 साल आपने सियासत में गुजारे उससे पहले आपकी कलरफुल ज़िंदगी जैसी कैसी रही लोगों को वो भी कुछ मालूम है 126 दिन आपने कंटेनर पर जिस तरह गुजारे वो भी दुनिया को याद हैं और फिर उनकी तमाम क्लिप्स मौजूद हैं सोशल मीडिया का ज़माना है भूलते नहीं हैं लोग किस तरह आपने किस किस को नचाया क्या क्या दावे किए क्या क्या बातें की आपके क्या उस वक़्त दावे वादे बुलंद बांग थे कैसी आपकी ज़बान थी कैसा आपका अखलाक था कैसी आपकी तहजीब थी खुद पसंदी और ख़ुद सिताई घुमंड जिद ये आपके मिजाज का हिस्सा थी दुनिया को याद फिर बिल आखिर आप सेलेक्ट हो गए इंतबात के नतज क्यों देर से आए क्या हुआ मुझे उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं दुनिया वो भी जानती है आपसे हलफ़ उठाते हुए ख़ातनबीन के अल्फाज अदा नहीं हुए जानबूझकर या क्या थे ये आप जानते हैं आपके हवाले से एक क्लिप मौजूद है फ़ेसबुक पर जिसमें आपने इस बात पर ताज्जुब किया है कि जो हज़ू को आखिरी नबी नहीं माने वो मुसलमान क्यों नहीं वो भी आपका क्लिप मौजूद है यानी फेसबुक पर वो भी मौजूद है महफूज़ है आपने उसके बाद वोट लेने के लिए लाजमी बात अगर आप ख़त्म नबूत को नहीं मानते तो आपको वोट कैसे मिलते जो थोड़े बहुत मिले भी तो आपको गोलराज शरीफ के इज्तम में भी आके कहना पड़ा कि जो ख़त्म नबूत को नहीं माने तो वो तो मुसलमान नहीं है आपको कहना पड़ा एक खातून बहुत ही मामूली खातून उसने नबी करीम अलैहि वसलम की गुस्ताखी की एतराफ़ किया साबित हुई मगर आपने गैरों को ये मैं लाभ सिर्फ़ गैर कह रहा हूँ समझ लीजिएगा इसमें तमाम शामिल हो जाएंगे जितने भी गैर मुसलम हैं सब शामिल अपने ग़ैरों को खुश करने के लिए उसको किस तरह रिहाई दिलवाई उसका क्रेडिट लिया और जिन्होंने उसके ख़िलाफ़ बातें की उसको आपने छोटा सा तबका कहा उस मलूना को शातिमा को नबी की गुस्ताख़ को आपने किस तरह रुखत किया आपके वो सारे क्लिप्स भी मौजूद हैं याद रखें शायद इंसान भूल जाए अल्लाह के यहाँ सारा रिकॉर्ड है और दीन में मुदाखलत करने वाला कोई शख्स आपसे पहले जो लोग हुक्मरान थे ना जो तीन तीन मरतबा उन्होंने भी जब दीन में मुदाखलत की नामों से रसालत के लिए जब उन्होंने गलत हरकत की उनका क्या हाल हुआ आप देख रहे हैं क्या उनकी इज्जत रही और क्या उनका हाल हुआ क्योंकि दीन में मुदाखलत और नामोशः रिसालत के मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं होती और मुआफ़ भी नहीं होती फिर जिल्लत मुकद्दर होती है आपने उस खातून को रिहाई दिलवाई आप कितने मकबूल के सत्रह ज़िमनी इलेक्शन हुए बाई इलेक्शन उसमें से आप सोलह हारे यही बताया गया है कि आप उसमें से सिर्फ़ एक जीते बाकी सब हारे कहा जाता है कि आपको साजिश के तहत लाया गया आप कहते हैं आपको साजिश के तहत निकाला गया एक मुल्क में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़ अल्लाह बनाए गए आपने उस वक्त उस मुल्क के सफ़ीर को बुलाकर कर भी नहीं करना चाहा और जब आप पर दबाव डाला गया तो आपने कहा कि उसके सफीर को निकालेंगे तो यूरोप से ताल्लक़ात बिगड़ जाएंगे हमारी पता नहीं कितने अरब की मसनूआत वहाँ जाती हैं और ये होता है इतना नुकसान होगा बेगैरती है ये ख़ान साहब नबी की तोहन बर्दाश्त कर लेना सिर्फ थोड़ी सी तजारत के लिए उस वक्त तो आपको यूरोप की नाराज़ी गवारा ना हुई और अब आप कहते हैं कि यूरोप को आप ललकार रहे हैं अगर आप वाकई आशिक़ रसूल कहलाना चाहते हैं आप वाकई नबी की इज़्ज़त चाहते हैं और वाकई इस्लामोफोबिया के बारे में जो बातें करते हैं वो दिल से तो उस वक़्त आपका ईमान कहाँ था फिर जिन नामो रिसालत के पहरेदारों ने निहत्ते सिर्फ नबी की खातर सड़कों पे निकल के एहताज किया था आपने उनके साथ क्या सलूक किया एक आलिम दीन जो चल नहीं सकते थे उनको कितना अरसा क़ैद रखा और उनके साथ क्या सलूक किया एक आलिम दीन जेल में ही इंतकाल कर गए यूसुफ़ सुल्तानी नाम था गालिबन उनका फिर उसके बाद नामोश रसालत के पहरेदारों को आशान रसूल को शेल किसने चलवाए उन पर उनको किस तरह जिल्लत का निशाना बनाया गया उनके सीने छलनी किए गए तैतीस से ज्यादा लोगों को आपने किस तरह मरवाया उनका खून आपकी गर्दन पर है शरीयत के हकाम के हवाले से भी और वैसे भी आप वबाल लिए हुए हैं उन तमाम के ना हक खून का आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पागल के लफ्ज़ कहे आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माज़ अल्लाह जलील हुए के अल्फाज कहे आपने सहाबाई के राम को बुजिल और लूट मार कहा नात शरीफ सुनने सुनाने को आपने कहा लोग बोर हो जाएंगे बेजार हो जाएंगे ये बातें आप भूल गए होंगे ईमान वाले नहीं भूले और अल्लाह के रिकॉर्ड में ये सारी बातें जमा है ये जो दूसरी पार्टियों वाले हैं इनसे कोई ताल्लुक नहीं है मुझे किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं मेरा वोट किसी के लिए नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं ना फौज से भी आप ही उलझे हैं और आज आपका ताज़ा क्लिप कि फौज भी आज़ादी की मुहाफ़ नहीं है यह आपका ताज़ा क्लिप आज मौजूद है आज ही आपने बयान दिया है इदारों के ख़िलाफ़ आप ही बोले आप ही कहते थे फौज के ख़िलाफ़ नहीं बोले और आप ही के बारे में क्या कुछ आया है वो आपके सामने मौजूद होगा इसके अलावा सलेबस में निसाब में ख़त्म नबूवत से मतलब मजामी हजफ हुए आपके ज़माने में आपको शायद मालूम होगा कश्मीर का झंडा आपकी ही एक वज़ीर ने आपके हाथ में देना चाहा था आपने नहीं लिया कश्मीर के सौदेबाजी के जिम्मेदार भी आप ही हैं आपकी खारजा पॉलिसी थी कि कश्मीर पर किसी ने आपका साथ नहीं दिया फ़लस्तीन के मामले में आप कुछ नहीं कर सके आपने करतारपुर बनाने में तो बहुत जल्दी की उनके यहाँ जाते हुए उनका कपड़ा भी बांधा मदीने तो आप नंगे सर जाते आप कहेंगे मैं नंगे पाँव भी गया था आपको नंगे सर भी तो वहाँ देखा गया आपने रसूल्ला का क्या अदब किया माज़ल्ला बताएंगे आप कहेंगे आपने अकवा में मतहदा में जाके तकरीर की आपने नबी की इज़्ज़त की बात की लोगों ने आपकी तकरीर को सराहा लेकिन खुद आकर उसके बाद आपने नबी पाक सल्ला वसलम के लिए क्या अल्फाज कहे वो आपको याद नहीं है आपके वजीरों ने के लिए दीन के लिए जो जो बातें की क्या आप भूल गए मसाजिद और मदारस के ख़िलाफ़ आपके एक्शन क्या हम वे भूल जाएंगे आपने आईएमएफ और फैटफ़ के लिए जो कुछ कहा 105 सौ यू टर्न मुझे लिख के भेजे गए हैं मैं अगर वो पढ़ूं तो मुझे तो अच्छा खासा टाइम भी लग जाए और शर्म भी आए एक होता है यू टर्न लेना कि आप गलती से अच्छाई की तरफ़ आए आप हर अच्छाई से गलती की तरफ यू टर्न आपने लिया आपका दौरे हुकूमत आपने लोगों के चूल्हे बंद करवा दिए, भूख तहजीब मिटा देती है आपने परवाह नहीं की आप अपनी जिद में रहे आपका जुर्म क्या बयान किया जाता है लोग कहते हैं कि जी आप जबान आपकी आपके काबू में नहीं है बद तहजीबी के आपाती हैं बेअदबी और और तकबर पसंदी, आपका मिजाज है यह आपके बारे में दुनिया कह रही है कौल और फेल में कैसा तजाद है वो भी आप देख सकते हैं खुश आमद पसंद हैं आप। आपकी अहलिया मोतरमा के खिलाफ किसी ने कुछ कहा था आपके सारे वजीर बिफर गए थे नबी की इज़्ज़त ज़्यादा है या आपकी अहलिया की इज्जत ज्यादा है आपकी बहन के हवाले से भी कितने स्कैंडल हैं उनके माली मामलात के और दूसरे आपने बनी गाला रेगुलराइज करा लिया नस्ला टावर गिरा यहाँ तो नस्लों के टावर हैं जो गिराने वाले हैं क्या कुछ है आपके दौरे हुकूमत तीन साल में बताया जाता है कि सत्तर साल में टोटल जो कर्जे थे वो पच्चीस हजार अरब थे तीन साल में आपने उनको दोगुना कर दिया यानी सत्तर साल में जितने लिए गए थे आपने तीन साल में लिए आप कहते थे मुख्तर काबीना होगी प्रोटोकॉल नहीं होगा सिर्फ सिक्योरिटी होगी कौन सी बात आपने पूरी की कौन सा वादा आपने पूरा किया दीन के लिए आपने क्या किया मसाजिद की रजिस्ट्रेशन मदारस की रजिस्ट्रेशन कैसी कैसी पाबंदियाँ लगाई गई चालीस हजार के करीब ओलामा आपके दौर में गिरफ्तार किए गए आपको मालूम है आपने कितने वादे किए थे बुलंद बांग कहाँ गए सारे के सारे दीन के नाम पर आप रियासत मदीना का लफ्स के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे मैं बार बार कहता रहा आपको कि आप रियासत मदीना जानते ही नहीं हैं आपको मालूम ही नहीं है आप पता नहीं कौन सी रियासत मदीना की बात करते थे अपने अकबाल और अफाल ख़ुद आप देख लीजिए इसके अलावा आपके वज़ी शहबाज़ गिल साहब वो तो हज़रत इमाम हुसैन की गुस्ताखी कर रहे हैं कि करबला में इमाम इमामसैन हार गए थे माजल्ला चौदह सौ साल से दुनिया इमाम हुसैन को सलाम कर रही है लेकिन आपके वज़ी को इतना भी नहीं पता उनकी बदजबानी आपकी पूरे तीन साल दौर की बदजबानी सदियों पर भारी है जो आपके बुजरा ने की और आपने की इसके अलावा आपने कितने इम्पोर्टेंट अफराद आप तो कह रहे हैं ना यूरोप के खिलाफ आप हो गए हैं आप एब्सोल्युटली नॉट आपने एब्सोल्युटली नॉट जब कहना था तब नहीं कहा और ये भी जो है कहानियाँ सामने आ जाएंगी लोगों की यह इस्लामी जमूरिया पाकिस्तान से सब ने खेला है सब ने खाया है कहीं डिक्टेटर आए कहीं सिविलियन आए कोई तीन मरतबा आया कोई कितनी मरतबा हम किसी एक से भी कुछ नहीं पा सके हमें सब ने रुलाया हमें सब ने लूटा है लेकिन मुदाखलत फिर दीन में मुदाखलत करने वाले का किसी का अंजाम अच्छा नहीं हुआ ना होगा ये भी जो आए हैं ना इनमें से भी इन्होंने पहले उसी शख्स के लिए जिसने कांस्टेबल ने नबी के एक उस्ताक को कैफरे किरदार को पहुंचाया था आपने उसका जनाजा देखा था ना वो आप लोगों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अवामी रेफरेंडम था फिर वो शख्स जो नबी की नामुज़ के लिए जिसने धरना दिया था उसके इंतकाल पर आपने उसका भी जनाजा देखा होगा वो कैसे लोग थे ख़ुद आए थे उन्होंने बता दिया था कि वो किन को पसंद करते हैं नबी के ग़ुलामों को आप लोग कभी भी लोगों के दिलों से निकाल नहीं सकते मैं अर्ज़ करना चाहूँगा आपकी इसम्बली में तूफ़ान बदतमीज़ी डेस्कों पर चढ़ के आपके कारकुनों ने क्या क्या हरकतें की वो भी तमाम रिकॉर्ड मौजूद है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपके अपने केसेस हैं शराब और शहद में फ़र्क आप ही के ज़माने में जनाब आपके जज वगैरह नहीं कर सके हैं मैं और क्या क्या कहूँ आप ही आइन को बनाने वाले और आप ही आन को रौंदने वाले आपने ये भी नहीं देखा कि आप दूसरों को आइन की कदर क्या सिखाएंगे जब खुद रौंदेंगे? देंगे अब लोग कह रहे हैं जब कुर्सी बचाने के लिए आप यहां तक गए तो कुर्सी लेने के लिए कहां तक गए होंगे आप मैं आपसे और अर्ज करूं कि आपके हवाले से लोगों ने यह सोचा था कि आप इन तमाम पार्टियों से अलग आप आएंगे शायद कोई बेहतरी करेंगे तीन साल में आपने सिर्फ लोगों का खून चूसा दिन के हवाले से आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया काश के आप कुछ करते हमें इनसे भी कोई उम्मीदें नहीं हैं इनके हाल भी हम पर खुले हुए हैं सब पर लेकिन आपके बारे में आप जो कह रहे हैं कि आपको साजिश के तहत हटाया गया साजिश आपने खुद की है आप खुद अपने मुजरिम हैं आपका घुमंड आपकी बदजबानी आप किस तरह दूसरों को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटते रहे आप किस किस के लिए क्या क्या जुमले कहते रहे कैसे कैसे अलकाब आप तराशते रहे क्या यही तरबियत होती है हाकिम की क्या यही उसका रवैया होना चाहिए आज आप चाहते तो आप इज्जत से जा सकते थे लोग आपको अगर नापसंद कर रहे थे आप छोड़ देते लाने वाले आपको फिर ले आते लेकिन आपने जो कुछ किया जिस तरह आइन के साथ फ़ौज के साथ इदारों के साथ क्या होता रहा वो पूरा दिन किस कर्ब में गुजरा था नौ तारीख का पूरे आपके लोग आखिर वक्त तक जब तक प्रिजनर वैन नहीं आ गई और आर्टिकल सिक्स के लिए वो जो झंडी नहीं आ गई आपके अपने आदमी आपके साथ बिल आखिर आप जो नहीं चाहते थे वही हो गया जिसको आप वज़ी अजम नहीं देखना चाहते थे आप जिसकी अचकन की बहुत ज़्यादा बातें करते थे उसने पहन ली अब वो क्या करेगा अल्लाह जाने हम इस मुल्क में नबी का दीन चाहते हैं हम यहाँ सूद से पाक मीशत चाहते हैं हम यहाँ और फहाशी नहीं चाहते हम यहाँ दीन में मुदाखलत नहीं चाहते दीन की पाबंदी चाहते हैं हम नामू से रसालत नामू से सहबा नामू से अहल वैत चाहते हैं आपके इस दौरे हकूमत में नबी की औलाद के लिए नबी की बीवियों के लिए जिस जिस ने बकवास की आपने किसी को कुछ नहीं कहा किसी पर कोई आपने कार्रवाई नहीं की आपके होते हुए दीन का तमस्वुर होता रहा नबी के खिलाफ बातें होती रही आइए अपने आप को देखिए जांचिए परखिए अगर आपको इकतेदार का शौक़ है आपको दोबारा कुर्सी में आना है तो एक बात ये इस्लामी जमूरिया पाकिस्तान है यहाँ दीन में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी आपने नबी के लिए जो लफ्ज़ कहे आपको ऐलानिया तौबा करनी है अल्लाह से और सारी दुनिया से मुआफी चाहनी है आपने जितने लोगों को कत्ल करवाया है से रसालत के उन पहरेदारों को उनका खून आपकी गर्दन पर है आप उससे बरी विम्मा नहीं हो सकते आपके वजीर शामिल हैं उसमें आपकी हकूमत शामिल है क्या हुआ कहां तक महंगाई गई क्या कुछ हुआ आपने कुछ नहीं परवाह की आज आप कुर्सी पर नहीं अब आप दोबारा कुर्सी लेने के लिए जो मर्जी कर लें ये दुनिया चार दिन की है बादशाही अल्लाह की हकूमत मेरे नबी की वो रहेगी नबी का झंडा ऊंचा रहेगा हमें न इन नए लोगों से कोई गरज ना आपसे कोई गरज लेकिन आप चूंकि ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं आप पाक साफ हैं तो ऐसी बात नहीं आप खूनी भी हैं आप नबी की तोहन के मुजरिम भी हैं आपने दूसरों को कहा ना ख़ुद आपने जो जुर्म किया उसकी आज तक आपने तोहबा नहीं की है ये पाकिस्तान अल्लाह करे कि इसे वो लोग मिलें जो नबी के वफ़ादार हों सहाबा के वफादार हों बैत के वफादार हों हम अपनी फ़ौज से भी यही चाहते हैं हम अपनी अदलिया से भी यही चाहते हैं कि यहाँ नामों से रसालत नामों से सहबा नामों की पासदारी हो यहाँ दीन में कोई मुदाखलत ना करे यहाँ किसी कादियानी के लिए कोई रियायत ना हो यहाँ हो बात तो नबी की हो दीन की हो यहाँ अमन की हो यहाँ पाकिजगी की बातें हो, ये पाकिस्तान है इसको गलत चीज़ों की आमाज का ना बनाया जाए ये कुदरत का निज़ाम व तो इज़्ज़ मंतशा व तो ्लोमंत हम लोग सब दुखी दिल में हैं चौहत्तर साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान को क्या मिल रहा है पाकिस्तान को कैसे कैसे कैरेक्टर मिल रहे हैं क्या हो रहा है सब खेल नहीं आते हैं सब लूट नहीं आते हैं कोई है जो वाकई नबी का सच्चा ग़ुलाम हो कोई है जो पाकिस्तान का वाकई सच्चा वफ़ादार हो जो अपनी जात से आगे की बात करे आप भी तो मफादात कई बंदे निकले आप भी तो अपनी ज़ात के हॉल में ही निकले आप भी आगे नहीं आपने कहा था मुख्तसर काबीना रखूँगा कितनी बड़ी काबीना रखी आपने आपने थोड़े से खर्च पे फौरन आवाज़ की कि मेरा गुजारा नहीं होता दूसरों की तरफ देखा आपने अल्लाह तमें फरमाए हम कश्मीर के मामले में भी आपकी तरफ देखते ही रह गए कि आपने कितनी आसानी से कश्मीर दे दिया उनके खून से भी आपने वफा नहीं की आपको क्या क्या, क्या कहूँ हॉकी के ओलंपियन पर फौरन पाबंदी लग गई कि आपके बारे में नामुनासिब बात की दस साल की पाबंदी नबी के मुजरिम को साहबी के मुजरिम को अहिबैद के मुजरिम को तो ऐसा कुछ नहीं किया गया आपके वजीरों ने उनको तहफ्ज दिया ये जो कोरोना और कितने अभी तो स्कैंडल खुलेंगे कोई घड़ी का स्कैंडल खोलेगा कोई और किस चीज़ का खोलेगा क्या कुछ नहीं निकलेगा दामन किसी का भी साफ़ नहीं है अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाज़त फरमाए अल्लाह ताला इस मुल्क में वाकई हम सबको निज़ाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाला बनाए इस मुल्क के माहौल को इस्लामी पाकिज़ा बनाए आप रियासत मदीना के लफ्स कहते हैं हम वाकई चाहते हैं इसको कि रियासत मदीना का नमूना बने मगर वो आप नहीं बना सकते क्योंकि आप अपने पाँच साढ़े पाँच फुट के कद पर नहीं रियासत मदीना या नबी के आकाम लगा रहे तो मुल्क पे क्या लगाएंगे अल्लाह तुआ फरमाए मीडिया को आपने पीका ये जो आर्डीनेंस बनाया था ये क्या था मीडिया की आज़ादी आपने सैलब की आपने जो जो कुछ किया अब आसमान की आंख ने भी देखा लोगों ने भी देखा है हम किसी और से नहीं हम पाकिस्तानी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं या अल्लाह इस मुल्क को वो हुक्मरान दे जो नबी के वफ़ादार हों अल्लाह करे ऐसा हो मेरी गुफ्तु शायद आपको थोड़ी सी तल्ख लगी हो मगर सोचिए हम उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने सवालात हम तक भेजे और अपने तारीफी कलिमा से हमें नवाजा जिनमें शब्बीर साहब अली हैदर साहब अयाज़ अहमद साहब अनसब कैसर अज़म साहब अब्दुलरीम साहब ग़ुला मुस्तफ़ा साहब फ़ौज़िया अब्दुल्कर साहिबा शौकत साहब अबरार अहमद साहब मौलाना शफी साहब मोहम्मद शफी साहब तयब मुतज़ा साहब शहरियार हसन साहब उस्मान शफ़ी साहब राहील अमीन साहब मोहम्मद कामरान साहब सायमा शेख़ साहिबा उमर अब्बासी साहब फरीद खोकर साहब मोहम्मद अदनान साहब सोएबा मंसूर साहिबा हसनैन लाशारी साहब इकराम शरीफ साहब सईद यूसुफ़ साहब फ़िजा ख़ान साहिबा अब्दुल रशीद साहब जलाल अहमद साहब कैसर आजम साहब अरमान अशरफ़ी साहब फैसल हारून साहब अब्दुल्ला रज़वी साहब कारी मोहसिन साहब ओन मोहम्मद साहब शमशाद अली साहब आदिल बिन मकसूद साहब नादिया साहिबा वक़ार अंसारी साहब अली मुस्तफ़ाई साहब गुलजार अहमद साहब नासिर ख़ान साहब नाज़िम ख़ान साहब इरम साहिबा उस्मान अली साहब शकीला फ़यास साहिबा अब्दुल कादिर साहब इमरान ख़ान साहब मियाँ अब्दुरऊफ साहब समीना रावडा साहिबा, बिनते सिद्दीक़ साहिबा दानियाल साहब मोहम्मद उमर साहब खालिद महमूद साहब मुहिब्बा माकदा साहिबा शहबाज़ मोमिन साहब हम्माद साहब सहर ख़ान साहिबा नवाज़ एजाज साहब उम्मे हुसैन साहिबा, जीशान कुरैशी साहब फ़ारूक़ रशीद साहब खुर्शीद रज़ा साहब शाहनवाज साहब अशर चौधरी साहब बिनते अज़ीम साहिबा अमारा हसन साहिबा अब्दुल करीम साहब आसिफ अली साहब इस्लामुद्दीन सैफ़ी साहब मिर्ज़ा मंजूर साहब अंसारी साहब वसी अहमद साहब आमिर सादिक साहब नफीस अहमद साहब वकास बुखारी साहब तलहा साहब मुजाहिद रज़ा साहब और निदा फातिमा साहिबा और जिन जिन के नाम शामिल ना हो सके हम उनसे मात्रत चाहते हैं हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा माह रमदान का दूसरा अशरा शुरू हो चुका मगफिरत का हम सब सबको मिलकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहनी है अल्लाह ताला से मगफ़रत की अल्तजा करनी है तो वो हम सबकी बख्शिश फरमाए जितनी नकियाँ हो सकें हम सब मिल कर करें और इस मुल्क के माहौल को रमदान के तकदस को याद रखते हुए बिगाड़े नहीं ये तमाम दुनिया की चीज़ें यहीं रह जाएंगी आखिरत की भी फिक्र होनी चाहिए गुफ्तु में मुझसे कहीं कोई ग़लती हुई हो अल्लाह ताला, उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ रमदान में लोगों को नेकी के लिए कहिए यह आपके इस तरह के जलसे जुलूस ये आप लाखों करोड़ों रुपए ख़र्च करते हैं इन चीज़ों पर सिर्फ़ अपने लिए सिर्फ़ अपने लिए अपनी कुर्सी के लिए अल्लाह हिदायत अता फरमाए नेकी कीजिए नेकी फैलाइए इस दौरान जितने लोग ईमान के साथ दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी मगफ़रत फरमाए असलकम वाला वर्का